हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग इस वीडियो में एक और प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। वी आर गोइंग टू बिल्ड अ ईमेल स्पैम क्लासिफायर। ईमेल स्पैम क्लासिफायर बोल सकते हो या फिर एसएमएस स्पैम क्लासिफायर बोल सकते हो। आज के डेट में आपको पता होगा कि अगर आप कभी भी कोई ईमेल क्लाइंट यूज कर रहे हो या फिर आप एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हो, बहुत सारे कंपनीज आपको प्रमोशनल ईमेल्स और एसएमएसएस भेजते हैं। तो आपको इस प्रोजेक्ट के बाद ये समझ में आएगा कि कैसे गूगल जैसी कंपनीज उस तरह के प्रमोशनल ईमेल्स को पहले से स्पैम फोल्डर में डाल पाती हैं। उनको कैसे पता चलता है कि किसी ईमेल का कंटेंट स्पैम है या स्पैम नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग एंड टू एंड एक वेबसाइट बनाएंगे। मतलब एक वेबसाइट जहां पे अगर यूजर एक स्पैम मैसेज टाइप करेगा तो उसको स्पैम दिखाई देगा, और अगर स्पैम नहीं होगा तो उसको नॉट स्पैम दिखाई देगा। इनफैक्ट आई विल शो यू अ डेमो। मैंने ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट बना लिया है। I'll show you the demo. This is the demo. अगर आप यहाँ पर let's say type करते हो, जैसे मैंने कुछ messages यहाँ पे ले रखे हैं, जैसे कि एक है this, I am free today. Let's go out for a movie. ठीक है, अब clearly ये message एक normal message है, spam नहीं है। जैसे आप predict पे click करोगे, ये बोल रहा है not spam. अगर आप यहाँ पे जाओ, लेट्स से ये एक मैसेज है जो कि क्लियरली दिख रहा है कि स्पैम मैसेज है। अगर आप प्रेडिक्ट पे क्लिक करो तो ये स्पैम बता रहा है। ठीक है, तो दिस इज द प्रोजेक्ट दैट वी आर गोइंग टू बिल्ड। और इस प्रोजेक्ट को बनाने के प्रोसेस में हम लोग सबसे पहले तो इस डेटा सेट के ऊपर काम करेंगे। यूसीआई मशीन लर्निंग का ये डेटा सेट है, और यहाँ पे बहुत सारे स्पैम मैसेजेस हैं, नॉट स्पैम मैसेजेस हैं। हम इस डेटा के ऊपर सबसे पहले ये पूरा नोटबुक बनाएंगे। हम लोग डेटा क्लीनिंग करेंगे, हम लोग ईडीए परफॉर्म करेंगे, हम लोग फीचर इंजीनियरिंग करेंगे, हम लोग मॉडल बिल्डिंग करेंगे, मॉडल इवैल्यूएशन करेंगे, और उसके बाद हम लोग अलग अलग टेक्निक्स यूज करेंगे लाइक एंसेंबल लर्निंग एंड ऑल। और इवेंचुअली जब हमारा मॉडल रेडी हो जाएगा, उसको हम लोग एक वेबसाइट में कन्वर्ट करेंगे जिसका कोड मैंने यहाँ कर रखा है, और उसके बाद हम इसको हेरोकू पे डिप्लॉय करेंगे। एज यू कैन सी, ये जो यूआरएल है ये एक ग्लोबल यूआरएल है। अगर मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा तो आप भी इस वेबसाइट को देख सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा काम हम लोग इस एक सिंगल वीडियो में करेंगे। एंड आई रियली फील कि आप काफी कुछ सीखने वाले हो इस वीडियो में, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीजें करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट को बनाने के प्रोसेस में। सो आई होप यू आर एक्साइटेड बिकॉज आई एम। लेट्स स्टार्ट द प्रोजेक्ट। सो या गाइज, दिस इज द डेटा सेट दैट वी विल यूज। ये यूसीआई मशीन लर्निंग का डेटा सेट है, एसएमएस स्पैम कलेक्शन डेटा सेट। आप चाहो तो ईमेल स्पैम डेटा सेट के ऊपर भी काम कर सकते हो, या फिर आप एसएमएस के ऊपर भी काम कर सकते हो। जो भी हम करेंगे वो कॉमन रहेगा। आप सेम मॉडल को उठा के ईमेल स्पैम डिटेक्शन भी कर सकते हो, और आप सेम मॉडल में एसएमएस स्पैम डिटेक्शन भी कर सकते हो। आई एम गोइंग टू डू एसएमएस स्पैम डिटेक्शन बिकॉज ईमेल स्पैम डिटेक्शन पे एक वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है। ठीक है, तो जस्ट टू क्रिएट सम वैरायटी आई एम गोइंग टू यूज दिस पर्टिकुलर डेटा सेट। ठीक है, सो सबसे पहले हम हमेशा की तरह इस डेटा को डाउनलोड करेंगे बाय क्लिकिंग ऑन द डाउनलोड बटन। इसके लिए आपका कैगल पे एक अकाउंट होना जरूरी है। एक zip फाइल डाउनलोड होगी, और आपको बस इस zip फाइल को एक्सट्रैक्ट कर देना है। जैसे मैं इसको फिलहाल अपने डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। एक्सट्रैक्ट हो गया। उसके बाद आपको जुपिटर नोटबुक स्टार्ट करनी है। जुपिटर नोटबुक स्टार्ट करने से आपकी डायरेक्टरीज ओपन हो जाएंगी। मैंने एक डायरेक्टरी बना के रखा है मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स के नाम से, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर बनाया है ईमेल स्पैम क्लासिफायर। इसको मैं एक्चुअली रीनेम कर देता हूँ ज़्यादा एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन के लिए एज एसएमएस स्पैम क्लासिफायर। मैं इसके अंदर जा रहा हूँ, फिलहाल यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल अपलोड डेस्कटॉप से मेरा जो फाइल है spam.csv, दिस इज द फाइल, और इसको मैं अपलोड कर दूंगा, और मेरा डेटा सेट अपलोड हो गया। नेक्स्ट आई विल क्रिएट अ पाइथन 3 नोटबुक। आई विल रीनेम इट एज स्पैम डिटेक्शन या एसएमएस स्पैम डिटेक्शन। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग डेटा को इंपोर्ट करेंगे और देखेंगे डेटा में क्या है।
तो सबसे पहले आई वुड राइट इंपोर्ट नंपाई एस एनपी, इंपोर्ट पैंडास एस पीडी, देन वी वुड राइट रीड सीएसवी फंक्शन को कॉल करके वी वुड राइट स्पैम डॉट सीएसवी. दिस इज द डेटा फ्रेम. मैं आपको रैंडमली 5 रोज निकाल के दिखा रहा हूँ. सारे ही हैम है या दिस इज फाइन. सो दिस इज द डेटा सेट. टोटल मिला के यहाँ पर 5 कॉलम्स हैं, V1, V2, अननेम्ड 2, 3 and 4. और अगर हम चेक करें टोटल शेप क्या है डेटा का, तो देर आर 5000, मोर देन 5000 SMS हमारे पास जो है, 5 कॉलम्स हैं. सो अब जो पूरा प्रोजेक्ट है वो 4-5 स्टेजेस में होगा. मैं आपको पहले स्टेजेस बता देता हूँ. सबसे पहले हम लोग डेटा क्लीनिंग करेंगे. यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे बहुत सारी नैन वैल्यूज हैं, तो हम ये सबको रिमूव करना सबसे पहला प्रायोरिटी रहेगा. उसके बाद जो सेकेंड चीज होगी वो होगी EDA एज एन एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस. आप कभी भी मशीन लर्निंग के ऊपर काम करते हो तो आपको थोड़ा एनालिसिस करना चाहिए डेटा के ऊपर. थर्ड होगा टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग. यहाँ पे आप वेक्टराइजेशन करोगे, स्टेमिंग करोगे, स्टॉप वर्ड्स हटाओगे, इस तरह की चीजें हम टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग में करेंगे. उसके बाद होगा मॉडल बिल्डिंग, दैट वुड बी द फोर्थ स्टेप. उसके बाद होगा इवैल्यूएशन मॉडल का. उसके बाद इम्प्रूवमेंट्स डिपेंडिंग ऑन द इवैल्यूएशन. उसके बाद हम इसको एक वेबसाइट में कन्वर्ट करेंगे जैसा मैंने आपको दिखाया. और लास्ट में वो वेबसाइट को हम डिप्लॉय कर देंगे हेरोकू के ऊपर. तो ये 8 स्टेप्स का प्रोसेस हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं. ठीक है, तो चलो फिर लेट्स स्टार्ट विथ step 1, डेटा क्लीनिंग. सो आई विल एड अ न्यू सेल और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ step 1 इज डेटा क्लीनिंग. डेटा क्लीनिंग में सबसे पहले तो मैं एक बार चेक करूंगा कि ये जो एक्स्ट्रा 3 कॉलम्स हैं इसका कुछ काम है भी या नहीं. अगर हम चाहें तो हटा सकते हैं कि नहीं. ठीक है, तो आई वुड राइट df.info एंड यू कैन सी v1 में देर आर 55729 नॉर्मल वैल्यूज, v2 में भी नॉर्मल वैल्यूज सारी की सारी हैं, बट यू कैन सी अननेम 2, 3 और 4 में बहुत ही कम वैल्यूज है. मतलब मोस्ट ऑफ द वैल्यूज आर मिसिंग इन दीज 3 कॉलम्स. तो सबसे पहला काम तो यही है कि वी विल ड्रॉप लास्ट 3 कॉलम्स. ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन राइट df.drop columns. कॉलम्स में हमें वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी. सो कॉपी पेस्ट and the last one also over here. और since ये permanent operation है, मैं in place का value रख देता हूँ true. और अब अगर मैं df.sample करूँ और 5 rows अगर दिखें, तो this is the data set now. ठीक है, यहाँ तक सब कुछ ठीक है. एक चीज और जो हम कर सकते हैं वो ये है कि ये कॉलम नेम्स बहुत डिस्क्रिप्टिव नहीं है. समझ में नहीं आ रहा कि V1 और V2 क्या बता रहे हैं. तो मैं एक काम कर रहा हूँ, आई एम रीनेमिंग द कॉलम्स. बहुत सिंपल है, हम यूज करेंगे रीनेम फंक्शन को, जहां पे हम कॉलम्स का वैल्यू स्पेसिफाई कर देंगे यूजिंग अ डिक्शनरी. सो V1 को मैं बोल दूंगा मेरा टारगेट और V2 को मैं बोल दूंगा टेक्स्ट बोल सकते हैं. और इसको भी मैं इन प्लेस इक्वल्स ट्रू कर रहा हूँ. और इतना करने के बाद आई विल शो यू कैसा दिखाई दे रहा है सब कुछ. सो या यहाँ पे टारगेट आ गया, यहाँ पे टेक्स्ट आ गया. सो वी आर ऑलमोस्ट डन विद दिस एंटायर पार्ट. यहाँ तक सब कुछ ठीक है. ठीक है, नेक्स्ट एक चीज और जो हमें अभी कर लेना चाहिए वो ये है कि यहाँ पे या तो हैम का वैल्यू है
या फिर स्पैम लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें नंबर्स चाहिए। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं लेबल इनकोडर अप्लाई कर रहा हूँ। सो मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग आई विल इम्पोर्ट लेबल एनकोडर, एनकोडर इज इक्वल टू लेबल एनकोडर, और यहाँ पे टेक्स्ट विल बी इक्वल टू, एक्चुअली टेक्स्ट के ऊपर नहीं लगाना, एनकोडर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म डी एफ का टारगेट। सो हैम को जीरो वैल्यू असाइन हो रहा है और स्पैम को वन वैल्यू असाइन हो रहा है, जो कि हमें चाहिए था। ठीक है, सो मैं इसको वापस इसी कॉलम में ऐड कर दे रहा हूँ लाइक दिस। सो अब अगर मैं डी एफ डॉट हेड करता हूँ, दिस इज द आउटपुट। ठीक है, यहाँ तक हमने डेटा को क्लीन कर लिया है। दो चीज़ें जो आपको हमेशा चेक करनी चाहिए वो हम लोग चेक कर रहे हैं। पहला कि मिसिंग वैल्यूज हैं कि नहीं, मिसिंग वैल्यूज चेक करते हैं डी एफ डॉट इज नल डॉट सम करके, और फिलहाल कोई मिसिंग वैल्यूज नहीं है, तो ये स्टेप तो बच गया। नेक्स्ट इज चेक फॉर डुप्लीकेट वैल्यूज, उसके लिए वी वुड राइट डुप्लीकेटेड डॉट सम, एंड देर आर 403 डुप्लीकेट वैल्यूज। सो बहुत सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिमूव करने पड़ेंगे डुप्लीकेट्स। वी वुड राइट डी एफ डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स, कीप इज इक्वल टू फर्स्ट, और इसको वापस अगर हम डी एफ में डाल दें तो अब कोई डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होनी चाहिए लाइक दिस। ठीक है, और अब मेरे डी एफ का जो शेप है वो ये है। ठीक है, सो या वी आर डन विद द बेसिक क्लीनिंग पार्ट, नाउ विल मूव ऑन टू ई डी ए। सो गाइज, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज ई डी ए, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। कभी भी अगर आप प्रिडिक्टिव मॉडलिंग का कोई भी टास्क कर रहे हो, मतलब कोई भी सुपरवाइज मशीन लर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, इस केस में हम एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले डेटा के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और वो अंडरस्टैंडिंग आता कहाँ से, जब आप EDA परफॉर्म करते हो, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ठीक है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉलम्स नहीं है, सिर्फ दो ही कॉलम्स हैं, तो हम जितना भी हो सकेगा उतना EDA परफॉर्म करेंगे। सो सबसे पहला चीज जो मुझे इस डेटा को देख के मेरे दिमाग में जो क्यूरियोसिटी आ रहा है वो ये है कि कितना परसेंट स्पैम, कितना परसेंट SMSs जो है वो स्पैम है और कितने परसेंट हैम है। सबसे पहले मुझे ये चेक करना है, तो ये बहुत सिंपल है। मैं क्या करूंगा, ये रहा मेरा डेटा फ्रेम, दिस इज माय डेटा फ्रेम। व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली रन वैल्यू काउंट्स ऑन टॉप ऑफ माय डेटा फ्रेम, और विल रन इट ऑन द टारगेट कॉलम ऑब्वियसली, एंड यू कैन सी ये डिस्ट्रीब्यूशन है। हैम बहुत ज्यादा है हमारे डेटा में 4500, और जो स्पैम है वो सिर्फ 653 है। अगर हम इसको और थोड़ा बेटर रिप्रेजेंट करना चाहें तो वी कैन यूज अ पाई चार्ट। ठीक है, उसके लिए आई विल इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज पीएलटी, एंड आई विल राइट दिस कोड पीएलटी डॉट पाई। यहाँ पे आई विल पास दिस सीरीज, I will also pass the labels. Labels हो जाएंगे अपने ham and spam. और हमें percentage value भी देखना है, इसलिए हम auto PCT का value रख देंगे %.2f. decimal के बाद दो values देखेंगे हम लोग, और ये extra piece of code ना है इसलिए हम PLT dot show कर देंगे. So yeah guys, this is the distribution. So हमारे data में roughly speaking 88% SMSs जो हैं वो spam नहीं है, और बाकी के जो 12.5% SMSs हैं वो spam है। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे हम लोग को clearly समझ में आ रहा है कि data is imbalanced,
डेटा इज इम्बैलेंस, ठीक है। तो इसको हम लोग को पकड़ के चलना है, इसको दिमाग में रखना है कि डेटा में देयर इज अ स्लाइट इम्बैलेंस, बहुत ज्यादा है हैम और बहुत कम है स्पैम, ठीक है। अब एक और एनालिसिस जो हम बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हैं वो है कि हमारे एसएमएसएस के अंदर कितने अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं, कितने वर्ड्स यूज हो रहे हैं, कितने सेंटेंसेस यूज हो रहे हैं, ठीक है। हम ये नेक्स्ट पता करेंगे और इसके ऊपर एक एनालिसिस चला के देखेंगे। नेक्स्ट गाइस, हम लोग थोड़ा डीपर एनालिसिस के लिए तीन नए कॉलम्स बना रहे हैं। एक कॉलम होगा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द एसएमएस, सेकंड जो हम कॉलम बनाएंगे वो होगा नंबर ऑफ वर्ड्स इन द एसएमएस, और जो थर्ड कॉलम होगा वो नंबर ऑफ सेंटेंसेस इन द एसएमएस, ठीक है। और ये करने के लिए हमें एक लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी, दैट इज एनएलटी के लाइब्रेरी, नेचुरल लैंग्वेज टूलकिट, बहुत ही फेमस एनएलपी लाइब्रेरी है, आई गेस आपको पता होगा इसके बारे में। और आपको ये एक लाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, पहले से आपको नहीं मिलेगा। यू हैव टू रन दिस कमांड, पिप इंस्टॉल एनएलटीके, ठीक है। ये कमांड रन करने से आपका ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगा, और उसके बाद आपको ये लाइन रन करना होगा। कुछ डिपेंडेंसीज होती हैं एनएलटीके को अपना काम करने के लिए, वो आप इस लाइन से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। नाउ हमें तीन कॉलम्स बनाने हैं। सबसे पहले आई विल शो यू कि मैं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कैसे काउंट करूंगा। इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली। व्हाट वी विल डू इज कि हम लोग टेक्स्ट वाला कॉलम लेंगे, दिस इज द टेक्स्ट वाला कॉलम जहां पे हर एसएमएस का टेक्स्ट हमें मिल रहा है। हम इसके ऊपर अप्लाई फंक्शन लगाएंगे पैंडास का, और अंदर हम एक लैम्डा फंक्शन लिखेंगे, या एक्चुअली लैम्डा फंक्शन लिखने की भी जरूरत नहीं है, हम सिंपली लेंथ लगा सकते हैं। इफ आई एम करेक्ट दिस शुड वर्क, या सो हम लोग लेंथ यहाँ पे लगा देंगे। तो ये हर मैसेज, हर एसएमएस का जो लेंथ है, लेंथ इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यूज्ड, वो मुझे निकाल के दे देगा। और इसको मैं एक नए वेरिएबल में, एज इन एक नए कॉलम में डाल रहा हूँ, लेट्स कॉल इट नम अल्फा बेट्स या नम कैरेक्टर्स। अल्फाबेट बोलना गलत होगा, बिकॉज न्यूमेरिक कैरेक्टर्स भी होंगे और स्पेशल कैरेक्टर्स भी होंगे, पंक्चुएशंस होंगे। सो या, दिस इज द फर्स्ट कोड। ये करने के बाद अब मेरे पास एक एक्स्ट्रा कॉलम आ गया है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बोल के, जहां पे हर एसएमएस में जितने कैरेक्टर्स हैं वो मुझे मिल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आई विल फेच द नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। ये फेच करना थोड़ा सा ट्रिकी है, इसके लिए हमें एनएलटीके की जरूरत पड़ेगी। सो आपको ये कोड लिखना पड़ेगा, टेक्स्ट डॉट अप्लाई, और अप्लाई के अंदर आप लिखोगे एक लैम्डा फंक्शन, लैम्डा फंक्शन जहां पे आपको जैसे ही कोई टेक्स्ट मिलेगा आप उसके ऊपर लगाओगे एनएलटीके डॉट वर्ड टोकेनाइज। आप क्या कर रहे हो, आप सारे SMSs को वर्ड के बेसिस पे ब्रेक कर रहे हो, ठीक है। सो अगर आप इस कोड को रन करोगे आपको एक एरर मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें X पास करना पड़ेगा। और यू कैन सी अब हर SMS जो है वो वर्ड बाय वर्ड बेसिस पे ब्रेक होकर के एक लिस्ट में आ गया, और अब यही वर्ड्स हैं तो मुझे बस इनको काउंट करना है। तो मुझे बस ये जो लिस्ट बन रहा है इसका लेंथ काउंट करना है। सो उसके लिए मैं LEN लगा दूंगा लाइक दिस, और अब रन करने पे दिस इज द नंबर ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन पर एसएमएस। सो इसको मैं एक और नए कॉलम में डाल रहा हूं, आई विल कॉल इट नम वर्ड्स इज इक्वल टू दिस। और अब अगर मैं df डॉट हेड करूं तो यू कैन सी मेरे पास एक और नया कॉलम आ गया, ठीक है। एक और चीज जो मुझे ऐड करनी है वो है नंबर ऑफ सेंटेंसेस, और उसके लिए भी बहुत सिंपल है, मैं आपको दिखाता हूँ। हम ये कोड लिखेंगे, इस बार हम एनएलटीके में वर्ड टोकेनाइज के बदले सेंट टोकेनाइज फंक्शन को यूज करेंगे। और सेंट टोकेनाइज क्या करता है, उसके लिए मैं आपको लेंथ फंक्शन हटा के दिखाता हूँ एक बार। सी, सो सेंटेंस के बेसिस पे आप अपने एसएमएस को ब्रेक कर रहे हो, टोकेनाइज कर रहे हो, छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, और ऑब्वियसली हमें लेंथ एज इन नंबर ऑफ सेंटेंसेस चाहिए। तो मैं यहां पे लिख दूंगा num sentences is equal to this, और अब अगर मैं df dot head करूं तो you can see मेरे पास ये तीनों नए कॉलम्स आ गए, लाइक मैंने नए फीचर्स क्रिएट कर लिए फ्रॉम
ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फीचर्स, ठीक है। अब एक चीज जो मुझे करनी है वो ये है कि मुझे इन सब के ऊपर डिस्क्राइब लगा के चेक करना है कि क्या चल रहा है। तो मैं लिख रहा हूं df num characters num words and num sentences dot describe, और ये देखो गाइज दिस इज द आउटपुट। सो यू कैन सी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के टर्म में अगर आप बात करो तो कोई एक एसएमएस है जिसमें 910 कैरेक्टर्स यूज हुए हैं। नंबर ऑफ वर्ड्स के टर्म्स में बात करो तो 220 वर्ड्स, और सेंटेंसेस के टर्म्स में बात करो तो 38 सेंटेंसेस यूज हुए हैं। अगर आप मीन वैल्यू का बात करो तो ऑन एन एवरेज 78 कैरेक्टर्स यूज हुए हैं और 18 वर्ड्स यूज हुए हैं और रफली 2 सेंटेंसेस यूज हुए हैं ऑन एन एवरेज पर एसएमएस में। हम एक काम कर सकते हैं, हम हैम और स्पैम को अलग अलग एनालाइज कर सकते हैं। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन राइट दिस कोड df टारगेट इज इक्वल टू 0। ये है अपना हैम मैसेजेस, और हैम मैसेजेस के अगर हम इन कॉलम्स को पकड़ें और इनके ऊपर अगर हम डिस्क्राइब लगा दें तो एरर आ रहा है, इट्स बिकॉज हमने कुछ कोड गलत लिखा। ये सारे ओके या गॉट इट, हमें ये लिस्ट पास करनी है, सो वी वुड राइट इट लाइक दिस। या सो दिस इज द कोड विच इज गिविंग यू द डिस्क्राइब फंक्शन का आउटपुट फॉर हैम मैसेजेस। दिस इज फॉर हैम मैसेजेस। और अगर आप स्पैम मैसेजेस का बात करो तो स्पैम के लिए आई विल कॉपी एंड पेस्ट, यहाँ पे 0 के बदले 1 डाल देंगे एंड दिस इज द या। सो अगर आप मीन का बात करो, ऑन एन एवरेज जो मीन वैल्यू है फॉर हैम मैसेजेस नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इज जस्ट 70 कैरेक्टर्स पर एसएमएस। Whereas, अगर आप मीन बात करो स्पैम का तो इट इज 137 कैरेक्टर्स पर स्पैम मैसेज, ठीक है। सिमिलरली 27 वर्ड्स, यहाँ पे देर आर ओनली 17 वर्ड्स, 2.97 सेंटेंसेस, 1.81 सेंटेंसेस। सो यू कैन क्लियरली सी ऑलरेडी हमें थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि कैसे डिफरेंट होते हैं स्पैम मैसेजेस और हैम मैसेजेस। यू कैन क्लियरली सी कि जो आपके स्पैम मैसेजेस हैं वो थोड़े बड़े होते हैं इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स यूज, वर्ड्स यूज और सेंटेंसेस यूज, जो भी आप बोलो थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है। हम एक काम कर सकते हैं, इस सेम चीज को प्लॉट के थ्रू भी देख सकते हैं। सो गाइज नाउ लेट्स प्लॉट हिस्टोग्राम दोनों कैटेगरीज, दोनों जो क्लासेस हैं स्पैम और हैम, दोनों के लिए हम लोग हिस्टोग्राम्स प्लॉट करते हैं। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्ट सीबॉन and what we will do is we'll first extract all the ham messages. These are the ham messages, aur isme se main nikal raha hu num characters wala column, theek hai, aur main isko de raha hu टू सीबॉन का हिस्ट प्लॉट वाला फंक्शन, जो कि हिस्टोग्राम प्लॉट करके मुझे दे देगा लाइक दिस। सो या दिस इज द हिस्टोग्राम एंड आई विल प्लॉट अ हिस्टोग्राम फॉर स्पैम्स, और इसका कलर मैं डिफाइन कर दूंगा रेड। सो यू कैन सी गाइस कि आपके जो ज्यादातर हैम मैसेजेस हैं उनमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो यूज हो रहे हैं वो बहुत कम है। वेर एज अगर आपके स्पैम मैसेजेस को आप पकड़ो तो आपके स्पैम मैसेजेस में ऑन एन एवरेज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो यूज हो रहे हैं वो ज्यादा है, ठीक है।
ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन राइट पीएलटी डॉट फिगर एंड वी कैन सेट द फिगर साइज टू 12.8. या दिस इज बेटर, 8 के बदले वी कैन जस्ट कीप 6. या वी कैन सी ज्यादातर हैम मैसेजेस कम कैरेक्टर्स से बने हैं, वेर एज ज्यादातर हैम मैसेजेस ज्यादा कैरेक्टर्स से बने हैं. ठीक है, ये सेम चीज को हम लोग नंबर ऑफ वर्ड्स के ऊपर भी देख सकते हैं. सो अगर मैं यहाँ पे नम कैरेक्टर्स के बदले वर्ड्स लिखूं, और यहां भी अगर मैं वर्ड्स लिखूं, तो यू कैन सी एक बहुत सिमिलर हिस्टोग्राम आपको वर्ड्स के केस में भी दिखाई देगा कि ज्यादातर हैम मैसेजेस कम वर्ड से बनते हैं और ज्यादातर हैम मैसेजेस स्पैम मैसेजेस ज्यादा वर्ड से बनते हैं. ठीक है, ऑल दो कुछ आउटलायर्स हैं डेटा में. यू कैन सी यहाँ पर लाइक 800-900 कैरेक्टर्स के भी हैम मैसेजेस हैं, और यहाँ पे 200-200 वर्ड्स के भी आपके पास हैम मैसेजेस हैं. ठीक है, सेम चीज आप नंबर ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर भी प्लॉट कर सकते हो. व्हाट आई वुड डू इज कि मैं आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल के दिखाता हूँ, पियर्सन कोफिशिएंट निकाल के दिखा रहा हूँ मैं यूजिंग द कोर. इनफैक्ट एक काम और कर सकते हैं हम लोग, वी कैन फर्स्ट सी इन कॉलम्स का आपस में कैसा रिलेशनशिप है, लाइक नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ सेंटेंसेस का नंबर ऑफ वर्ड्स के साथ किस तरह का रिलेशनशिप है. ये निकालने के लिए आई कैन यूज पेयर प्लॉट, और यू का वैल्यू हम सेट कर देते हैं टारगेट. लेट्स सी इनका आपस में कैसा रिलेशनशिप है. सो यू कैन सी नम सेंटेंसेस वर्सेस नम कैरेक्टर्स का ग्राफ जो है वो रफली लीनियर है, बहुत ज्यादा लीनियर नहीं है. जैसे जैसे कैरेक्टर्स बढ़ते हैं सेंटेंसेस भी बढ़ते हैं. नम वर्ड्स का नम सेंटेंसेस के साथ भी ग्राफ बहुत सिमिलर है. जीरो इज हैम, वन इज स्पैम, कलर से भी समझ में आ रहा है. अगर आप नम वर्ड्स और नम कैरेक्टर्स का देखो, बेसिकली आउटलायर है डेटा में आपके, और तो कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है. यहाँ पे डेटा में आउटलायर्स हैं, ये आउटलायर्स एनालिसिस खराब कर सकते हैं. विल सी दैट, देखते हैं इसको. एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हम कर सकते हैं वो है कि हम कोरिलेशंस देख सकते हैं. सो व्हाट आई वुड डू इज आई वुड राइट df डॉट कोर, पियर्सन कोफिशिएंट निकाल रहे हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट. एंड व्हाट यू कैन डू इज इसको हम लोग एक हीट मैप में डाल सकते हैं, SNS डॉट, तो हम लोग थोड़ा बेटर समझ पाएंगे कि क्या चल रहा है यहाँ पे. दिस इज द हीट मैप. एक काम करते हैं, एनोटेशन ट्रू कर देते हैं, एनोटेशन ट्रू. सो या यू कैन सी कि टारगेट जो अपना है वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पे 0.38 का कोरिलेशनशिप है. मतलब जितने ज्यादा आपके कैरेक्टर्स बढ़ते हैं वन होने का टेंडेंसी भी बढ़ता है. वन होने का मतलब स्पैम होने का टेंडेंसी बढ़ता है. नंबर ऑफ वर्ड्स के साथ 0.26 है, नंबर ऑफ सेंटेंसेस के साथ 0.27 है. अगर हम इनका आपस में बात करें, जैसे कि अगर आप नम सेंटेंसेस का बात करो नम कैरेक्टर्स के साथ, तो 0.63 है. लाइक बहुत हाई कोरिलेशन है, मतलब मल्टी कोलिनियरिटी है डेटा में. नम सेंटेंसेस का नम वर्ड्स के साथ और ज्यादा है, 0.68. और अगर आपको देखना है नम कैरेक्टर्स का नम वर्ड्स के साथ कितना है, 0.97, बहुत ज्यादा. इसका मतलब अगर आपको मॉडल बनाना है तो आप इन तीनों में से किसी एक को ही लोगे, और आप ऑब्वियसली नम कैरेक्टर्स को लोगे, क्योंकि नम कैरेक्टर्स टारगेट के साथ जो वेरिएंस वेरिएशन है दैट इज 0.38. तो इन तीनों में से हमें अगर कोई एक कॉलम रखना है, क्योंकि हम एक ही रखेंगे, तीनों नहीं रख सकते, बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है आपस में, विल कीप द नम कैरेक्टर्स वाला कॉलम. ठीक है, सो या इतना समझ में आ गया. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हैम और स्पैम दोनों में टॉप वर्ड्स जो यूज हुए हैं वो क्या है. ठीक है, सो गाइस नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा डेटा प्री प्रोसेसिंग करेंगे, या इसको आप टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग बोल सकते हो, क्योंकि हमारे केस में डेटा इज टेक्स्टुअल. ठीक है, तो डेटा प्री प्रोसेसिंग जो होता है टेक्स्टुअल डेटा के ऊपर, वो मोस्टली यही होता है जो मैंने आपके स्क्रीन पे लिख रखा है. सबसे पहले आप डेटा को लोअर केस में कन्वर्ट करते हो, उसके बाद आप उसको टोकनाइज करते हो, जनरली उसको वर्ड्स में तोड़ देते हो. उसके बाद आप स्पेशल कैरेक्टर्स हटा देते हो, आप स्टॉप वर्ड्स हटा देते हो. स्टॉप वर्ड्स क्या होता है, इंग्लिश के वो वर्ड्स जो सेंटेंस फॉर्मेशन में काम आते हैं
बट एक्चुअल सेंटेंस के मीनिंग में उनका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता, जैसे कि इज ऑफ द राइट. सिमिलरली आप पंक्चुएशन हटा दोगे, जितने भी पंक्चुएशन मार्क्स है वो आप हटा दोगे क्योंकि उनका भी मीनिंग में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता. और लास्ट में आप स्टेमिंग करते हो. स्टेमिंग क्या होता है? स्टेमिंग या फिर लिमिटाइजेशन में आप क्या करते हो कि आप एक ही टाइप के जो वर्ड्स हैं, जैसे कि डांस, डांसिंग, डांस्ड, इन तीनों को आप डांस में कन्वर्ट कर दोगे क्योंकि एट द एंड वो सारे वर्ड्स का मीनिंग डांस ही है. ठीक है, तो ये सीरीज ऑफ स्टेप्स हम लोग करेंगे. व्हाट आई विल डू इज आई विल क्रिएट अ फंक्शन, एक फंक्शन मैं बना रहा हूँ, और वो एक सिंगल फंक्शन क्या करेगा, ये सारे स्टेप्स एक साथ परफॉर्म कर देगा. ठीक है, तो आई एम क्रिएटिंग अ न्यू फंक्शन बाय द नेम ऑफ ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट. इसको आप टेक्स्ट प्रोवाइड करोगे. सबसे पहले यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप लिख रहे हो टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट डॉट लोअर. फिलहाल मैं आपको बस इतना करके दिखाता हूँ. फिलहाल ये फंक्शन है. अब अगर मैं ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट को कॉल करूँ और यहाँ पे मैं पास करूँ हाय हाउ आर यू और इसको मैं रन करूँ, तो सब कुछ लोअर केस में कन्वर्ट हो जा रहा है. ठीक है, तो पहला काम तो हमने कर लिया, लोअर केस वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. नेक्स्ट इज टोकनाइजेशन. आपको टोकन्स में कन्वर्ट करना है, जनरली वर्ड्स में तोड़ना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये कोड लिखेंगे. हम लिखेंगे टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट, या फिर हम NLT के लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, उसके अंदर वर्ड टोकनाइज बोल के एक फंक्शन है, वहां पे हम टेक्स्ट पास कर देंगे और ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया. ये देखो, आई गेस यहां तक आपको समझ में आ रहा है. दो स्टेप्स हमने कर लिए. नेक्स्ट इज रिमूविंग स्पेशल कैरेक्टर्स. अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, जैसे मैं आपको एक दो दिखाता हूं, अगर आप टेक्स्ट वाले में जाओ, तो जैसे सभी मैसेजेस में आपको स्पेशल कैरेक्टर नहीं मिलेंगे, आई जस्ट ट्राई कि कहीं मिल जाए. पता नहीं, फिलहाल तो नहीं दिख रहा. स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे कि ये पंक्चुएशन से भी हट जाएगा वैसे तो, पता नहीं, ऐसे खोजना थोड़ा मुश्किल है. बट आप ऐसे समझो कि हम सिर्फ उन कैरेक्टर्स को रखेंगे जो या तो अल्फाबेटिकल हो या फिर अल्फा न्यूमेरिक हो. ठीक है, तो व्हाट वी विल डू इज कि अब सिंस टेक्स्ट एक लिस्ट में कन्वर्ट हो चुका है, हम एक लूप चलाएंगे फॉर आई इन टेक्स्ट और हम ये क्वेश्चन पूछेंगे इफ आई डॉट इज एल नम. अगर अल्फा न्यूमेरिक है तो हम एक वेरिएबल यहाँ पे बना सकते हैं वाई बोल के. वाई एक लिस्ट है, हम वाई में अपेंड कर देंगे. वाई में हम अपेंड कर देंगे और y को हम रिटर्न कर देंगे. दिस इज द फंक्शन. लेट्स से अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 20 समथिंग, तो एरर थ्रो हो रहा है. अपेंड टेक्स एग्जैक्टली वन आर्ग्यूमेंट जीरो गिवन. अच्छा, I'm sorry, यहाँ पे i भी होगा, माय बैड. अगर i अल्फा न्यूमेरिक है तो i अपेंड हो जाएगा. सो या 20 तो आएगा ही क्योंकि 20 न्यूमेरिक है. यहाँ पे परसेंटेज डालते हैं तो परसेंटेज नहीं आ रहा, परसेंटेज हट जा रहा है. नहीं, क्या हो रहा है यहाँ पे 20%. एक काम करते हैं, यहाँ पे परसेंट डालते हैं. हाँ सही है, स्पेशल कैरेक्टर्स हमें हटाने थे. स्पेशल कैरेक्टर्स अगर कहीं भी आ रहे हैं वो हट जाएंगे. ठीक है, तो ये थर्ड वाला हमने कर लिया, रिमूविंग स्पेशल कैरेक्टर्स. नेक्स्ट इज रिमूविंग स्टॉप वर्ड्स एंड पंक्चुएशन. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि स्टॉप वर्ड्स किनको बोलते हैं. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले तो फ्रॉम NLTK यू विल हैव टू इम्पोर्ट कॉर्पस और वहां से यू विल हैव टू इम्पोर्ट स्टॉप वर्ड्स. और अब अगर आप स्टॉप वर्ड्स डॉट वर्ड्स में घुसते हो और यहां पे आप इंग्लिश लिखते हो,
तो फिर आपको वो सारे वर्ड्स मिल जाएंगे जिनको स्टॉप वर्ड्स बोला जाता है। ये बेसिकली वो वर्ड्स हैं जिनका सेंटेंस की मीनिंग में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, इनका काम सेंटेंस फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको पंक्चुएशन मार्क्स देखने हैं तो पंक्चुएशन मार्क्स के लिए आपको एक मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग, और फिर स्ट्रिंग के अंदर आप पंक्चुएशन, ये रहे आपके पंक्चुएशन मार्क्स, दीज आर योर पंक्चुएशन मार्क्स। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक और कोड लिख रहे हैं, फिर से हम लूप चला रहे हैं। हम ये करने के बाद हम टेक्स्ट को वाई असाइन कर दे रहे हैं, वाई को क्लियर कर दे रहे हैं, वाई फिर से खाली हो गया। फिर मैं लूप चला रहा हूँ फिर से टेक्स्ट के ऊपर, बिकॉज टेक्स्ट के अंदर हमारा पूरा का पूरा लिस्ट है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इफ आई नॉट इन एनएलटी के, एक्चुअली स्टॉप वर्ड्स डॉट वर्ड्स इंग्लिश, अगर स्टॉप वर्ड्स में नहीं है एंड आई नॉट इन स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन, अगर इन दोनों में नहीं है तो मैं फिर से वाई डॉट अपेंड करूंगा, और यहां पे मैं ऐड कर दूंगा अपना आई को। ठीक है, और आई को मैं रिटर्न कर दूंगा। सो ये मेरा फंक्शन है, ये वाला कोड मैंने आपको दिखाने के लिए लिखा था, इसको मैं हटा रहा हूँ, सेम विद दिस कोड। और अब मैं यहाँ पे आपको भेजता हूँ हाय हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क। एक्चुअली कुछ भी नहीं आएगा बिकॉज हाय हाउ आर यू दीज आर ऑल स्टॉप वर्ड्स एंड क्वेश्चन मार्क इज पंक्चुएशन। मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, हाय हाउ आर यू, एक्चुअली नाम तो आना चाहिए था बट नहीं आ रहा है, लेट्स सी व्हाई। हमने लिखा इफ आई नॉट इन स्टॉप वर्ड्स एंड आई नॉट इन दिस देन वाई डॉट अपेंड आई। सो या गाइज, आई हैड टू पॉज द वीडियो क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा था एरर क्या है। फाइनली समझ में आ गया एरर क्या है। इट वॉज अ सिली मिस्टेक। आप कभी भी लिस्ट को ऐसे कॉपी नहीं करते, इट्स अ म्यूटेबल डेटा टाइप, आपको क्लोनिंग करना होता है। सिंस मैं टेक्स्ट इक्वल टू वाई कर रहा था तो वाई के क्लियर होने से टेक्स्ट भी क्लियर हो जा रहा था और हर बार आपको एम्प्टी मिल रहा था। सो जैसे ही अब आप क्लोनिंग करोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। लेट मी शो यू, अगर मैं इसको रन करूं तो आपको सिर्फ हाय और नितेश मिल रहा है। ठीक है, हाउ आर यू दीज आर ऑल स्टॉप वर्ड्स, हट गए। लेट्स से हम ये लिख रहे हैं डिड यू लाइक माई प्रेजेंटेशन ऑन ML। ठीक है, दिस इज द टेक्स्ट, नाउ यू विल गेट दिस लाइक प्रेजेंटेशन ML, डेट यू चला गया, माई चला गया, ऑन चला गया, बस लाइक प्रेजेंटेशन और ML रह गया, क्वेश्चन मार्क भी चला गया बिकॉज वो आपका पंक्चुएशन है। ठीक है, तो यहां तक सब ठीक जा रहा है, अब बस एक लास्ट स्टेप बचा, दैट इज स्टेमिंग। ठीक है, स्टेमिंग के लिए भी हमें NLTK की जरूरत पड़ेगी। तो व्हाट यू विल डू इज आप फ्रॉम ये कोड लिखोगे, फ्रॉम NLTK.stem.porter import porter stemmer, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लोगे लाइक दिस। अब अगर आप ps.stem करो किसी भी वर्ड का, लेट्स से डांसिंग, तो आपको डांस मिलेगा। ठीक है, ई हट जाता है, इट्स लाइक ये NLP के बेसिक्स में आता है, बट इट मीन्स डांस। ठीक है, अगर आप यहाँ पे लविंग लिखते तो लव आता। ठीक है, वो एकदम रूट फॉर्म में ले आता है सारे के सारे वर्ड्स को। तो यही लॉजिक बस मुझे यहाँ पे लगाना है। सो व्हाट आई विल डू इज, इतना करने के बाद मैं फिर से यहाँ पर आऊंगा और मैं लिखूंगा टेक्स्ट को मैं रीअसाइन कर दूंगा यूजिंग वाई, और वाई को मैं फिर से क्लियर कर दूंगा लाइक दिस। उसके बाद मैं एक लूप चलाऊंगा फॉर आई इन टेक्स्ट, और हर बार मैं लिखूंगा ps.stem आई,
और y में अपेंड करता जाऊंगा, y डॉट अपेंड दिस थिंग लाइक दिस, और लूप से बाहर आकर के आई विल रिटर्न, मैं स्ट्रिंग बना के वापस रिटर्न करूंगा. सो आई वुड राइट डॉट जॉइन वॉट एवर इज इन साइड वाई. ठीक है, सो दिस इज द एंटायर फंक्शन, आपको दिखाता हूं. आई लव्ड द यूट्यूब लेक्चर्स ऑन मशीन लर्निंग. How about you? ठीक है, आई लव्ड द यूट्यूब लेक्चर्स ऑन मशीन लर्निंग, हाउ अबाउट यू. ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करूं तो दिस इज द थिंग दैट आई गेट इन रिटर्न. ठीक है, लव्ड का लव हो गया, सब कुछ लोअर केस में आ गया, तो यूट्यूब में वाई टी हो गया, लेक्चर में ई हट जाता है, मशीन लर्निंग, हाउ अबाउट यू, ये सब नहीं रहेगा. ठीक है, सो या गाइस, ये रहा मेरा फाइनल फंक्शन जो ये सारे काम मुझे करके दे रहा है. ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, इसमें ये चीज भेज के देखते हैं, या पहला मैसेज भेज के देखते हैं. सो अगर मैं जीरो डालू, दिस इज द फंक्शन, कॉपी सो ये रहा. ठीक है, काफी समझ में नहीं आ रहा है, बट वो सही फॉर्म में आ चुका है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. अगर हम इसको रन करें, सो ये रहा, गोना होम सून, वॉन्ट टॉक स्टफ एनी मोर टू नाइट, के क्राई इनफ टूडे. ठीक है, सो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन दैट वी नीडेड. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम एक चीज और करेंगे, हम वर्ड क्लाउड प्रिंट करके देखेंगे कि कौन से वर्ड्स ज्यादा यूज हो रहे हैं स्पैम्स में और हैम्स में. अच्छा, वैसे हम एक चीज करना तो भूल ही गए, जिस चीज के लिए फंक्शन बनाया था वो ट्रांसफॉर्मेशन तो हमने किया ही नहीं. तो व्हाट वी विल डू इज, हम एक नया कॉलम बना रहे हैं ट्रांसफॉर्म्ड टेक्स्ट के नाम से, एंड दिस विल बी इक्वल टू, इनफैक्ट पहले एक काम करते हैं, इसको कट कर लेते हैं, और सबसे पहले हम टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट, और ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो करके हमें आउटपुट मिलेगा, और उसको हम एक नए कॉलम में ऐड कर देंगे. आई जस्ट वेट. सो या यू कैन सी दिस इज द आउटपुट, मैं इसको एक नए कॉलम के अंदर ऐड कर रहा हूँ, एंड या गाइस हो गया. अब अगर हम df.head करें तो दिस इज द ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट जिसके ऊपर हम आगे काम करेंगे. ये वाला मैंने बचा के रख लिया कि इन केस आगे कभी गड़बड़ होता है तो हमें पूरा बैक ट्रैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधे इस कॉलम को यूज कर लेंगे. बट या गोइंग फॉरवर्ड हम इसको यूज कर रहे हैं और हम टारगेट को यूज कर रहे हैं, इन दो कॉलम्स को हम लोग यूज करेंगे. अब मैं आपको दिखाता हूं कि हैम्स और स्पैम्स दोनों मैसेजेस में हम वर्ड क्लाउड बनाएंगे. वर्ड क्लाउड क्या करेगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको बड़ा करके दिखाएगा. ठीक है, सो गाइस फर्स्ट आई विल जनरेट द वर्ड क्लाउड ऑफ स्पैम मैसेजेस. ठीक है, इसके लिए हमें वर्ड क्लाउड मॉड्यूल चाहिए होता है जो पहले से एनाकोंडा में इंस्टॉल्ड होता है. सो आपको बस लिखना है फ्रॉम वर्ड क्लाउड इम्पोर्ट द वर्ड क्लाउड क्लास, इसका हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है डब्ल्यू सी वर्ड क्लाउड, यहाँ पे हमें बताना है विड्थ फिलहाल 50 रख लेते हैं, हाइट भी फिलहाल 50 रख लेते हैं, मिनिमम फॉन्ट साइज 10 रख लेते हैं, और बैकग्राउंड कलर वाइट रख लेते हैं, या ब्लैक भी रख सकते हो, अपने ऊपर है, आई प्रेफर वाइट. अब हमें क्या करना है, हमें डब्ल्यू सी को यूज करके जनरेट बोल के एक फंक्शन होता है उसको यूज करेंगे हम. सो हम सबसे पहले लिखेंगे df टारगेट इक्वल टू वन, वन का मतलब स्पैम है, हम फिल्टर कर रहे हैं, सिर्फ उन रोज को पकड़ रहे हैं जहां पे स्पैम है, और उसके अंदर से हम ट्रांसफॉर्म्ड
टेक्स्ट जो हमने अभी कॉलम बनाया उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके अंदर का स्ट्रिंग निकाल रहे हैं और उसको कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं ऑन टॉप ऑफ स्पेस। और ये करने से या हमें यहाँ पे सेप कीवर्ड प्रोवाइड करना पड़ता है, हमें वर्ड क्लाउड ऑब्जेक्ट मिल जाता है, इसको हम स्पैम अंडरस्कोर वर्ड क्लाउड बोल सकते हैं। और इसको डिस्प्ले करने के लिए हमें चाहिए PLT का IM show मेथड, जहाँ पे हम लिखेंगे स्पैम एंड ये तो बहुत ही छोटा हो गया। एक काम करते हैं, विड्थ और हाइट को हम लोग थोड़ा बढ़ाते हैं, लेट्स से 500 करते हैं और फिर से जनरेट करते हैं। एंड या यू कैन सी कुछ और वर्ड्स आ रहे हैं। एंड देखो आप, मोस्टली जो वर्ड्स आ रहे हैं वो उसी टाइप के हैं जो स्पैम मैसेजेस में आपको मोस्टली मिलेंगे, कॉल, फ्री, टेक्स्ट, स्टॉप, रिप्लाई, ऑफर, क्लेम, ठीक है। यू कैन सी मतलब मोस्टली इसी टाइप के वर्ड्स हैं जो आपको दिखाई देंगे एक स्पैम मैसेज में। अगर आपको थोड़ा बड़ा करके देखना है इसको तो आप लिख सकते हो PLT.figure और यहाँ पे आप फिगर का साइज डिफाइन कर सकते हो, लेट्स से मुझे 12x6 में चाहिए तो थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है ये, इनफैक्ट और बड़ा कर सकते हैं हम 15। सो या यू कैन सी थोड़ा क्लियरली अब हमें दिखाई दे रहा है अर्जेंट, गारंटी, सेकेंड अटेम्प्ट, वैलिड, प्राइस, ड्रॉ, कॉस्ट, चैट, रिंगटोन, इस तरह के ही वर्ड्स आपको मोस्टली दिखाई देते हैं स्पैम SMS में, वही हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, बिल्कुल सेम चीज को रिपीट करते हैं फॉर हैम मैसेजेस। सो आई विल कॉपी दिस एंटायर टेक्स्ट, इस पूरे टेक्स्ट को मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे बस 1 के बदले आ जाएगा 0 और इसका नाम हो जाएगा हैम वर्ड क्लाउड। और फिर इस कोड को एज इट इज मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे भी स्पैम के बदले आ जाएगा हैम। और ये रहा गाइस, सो या दिस इज लाइक जैसे आप मोस्टली हैम मैसेजेस होते हैं, गो, कम, गॉट, लव, मिस, लेटर, फ्रेंड, थिंक, बेब। सो या सही लग रहा है ये, मतलब अभी तक हम ठीक जा रहे हैं, थैंक, ऑलरेडी, लेट, बिट, हैप्पी, फिनिश, या सही है ये। अब हम एक काम करते हैं, हम लोग टॉप 30 वर्ड्स देखते हैं दोनों कैटेगरीज में, हैम के 30 वर्ड्स, टॉप 30 वर्ड्स जो सबसे ज्यादा यूज हुए हैं हैम मैसेजेस में, और स्पैम के टॉप 30 वर्ड्स भी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइज, अगर आपको ये निकालना है कि टॉप 30 वर्ड्स या 50 वर्ड्स कौन से हैं हैम और स्पैम मैसेजेस में, तो थोड़ा सा कस्टम कोड लिखना पड़ेगा, और एक्चुअली अच्छा है, जानबूझ के ये चीज मैं आपको करा रहा हूँ, सो दैट आप थोड़ा सा और कंफर्टेबल हो इस पूरे कोड के साथ। तो इस पॉइंट पे अगर आप देखो तो हमारा डेटा फ्रेम कुछ ऐसा दिखता है, और मुझे पता करना है कि जितने भी स्पैम मैसेजेस हैं जहाँ पे 1 है टारगेट, उन जगहों में सबसे ज्यादा कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, टॉप 50 वर्ड्स कौन से हैं, जो कि एक्चुअली आपको वर्ड क्लाउड पे भी दिख रहा होगा, बट मैं आपको एग्जैक्ट 30 वर्ड्स निकाल के या 50 वर्ड्स निकाल के दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। सो व्हाट यू विल डू इज, आप एक कस्टम कोड लिखोगे, आप ये कोड लिखोगे, आप लिखोगे टारगेट इज इक्वल टू 1। आप उन सारे रोज को एक्सट्रैक्ट करोगे जहां पे टारगेट इज 1, मतलब सारे के सारे स्पैम मैसेजेस को आपने निकाल लिया। अब आप उसमें से ट्रांसफॉर्म्ड टेक्स्ट वाला जो कॉलम है उसको आप निकाल लोगे, तो ये आपका सीरीज है, इसको मैं लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं, सो दैट मुझे एक बड़ा सा लिस्ट मिल जाए जिसमें हर मैसेज एक आइटम है, सो इट इज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसके ऊपर लूप चला रहा हूं, फॉर सेंटेंस या फिर फॉर मैसेज इन दिस प्रिंट ऑल द मैसेजेस, यहाँ पे एक एक करके सारे मैसेजेस प्रिंट हो जाएंगे जो स्पैम मैसेजेस हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे सारे वर्ड्स को अलग करना है, तो मैं यहाँ पे कोड लिखूंगा फॉर वर्ड्स इन मैसेज डॉट स्प्लिट, और ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, स्पैम कॉर्पस बोल के एक एम्प्टी लिस्ट बना रहा हूं, और स्पैम कॉर्पस में अपेंड करते जा रहा हूं सारे वर्ड्स को। एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ वर्ड लिखना सही रहेगा, और यहाँ पे भी सिर्फ वर्ड लिखना सही रहेगा। एंड नाउ यू कैन सी स्पैम कॉर्पस जो है वो ये रहा, अगर आप इसका लेंथ निकालो तो आपको समझ में आएगा,
कि इसके अंदर देर आर 9941 वर्ड्स, सो सारे स्पैम मैसेजेस को अगर आप मिला दो तो देर आर अराउंड 10,000 वर्ड्स, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहा हूँ फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट काउंटर, और मैं काउंटर के अंदर स्पैम कॉर्पस को भेज रहा हूँ। ये क्या करेगा, ये एक डिक्शनरी क्रिएट कर देगा जहां पे हमारे कॉर्पस में हर वर्ड जितनी बार आया है वो इंफॉर्मेशन होगा। अब इसके ऊपर अगर मैं मोस्ट कॉमन 30 लिख दूं तो ये सबसे कॉमन सबसे ज्यादा अकरिंग 30 वर्ड्स को निकाल के आपको दे देगा, एंड दीज आर द वर्ड्स कॉल फ्री, यही आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा कॉल फ्री, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, इसको उठा करके एक डेटा फ्रेम में ऐड कर देंगे लाइक दिस, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा SNS डॉट बार प्लॉट, और सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इस डेटा फ्रेम से निकालूंगा 0 को और इस डेटा फ्रेम से फिर निकालूंगा 1 को, और ये रहेगा इस वो सारे वर्ड्स। देयर इज ओनली वन प्रॉब्लम, आप रीड नहीं कर पाओगे, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट PLT डॉट xsticks रोटेशन इक्वल्स, आई वांट वर्टिकल रोटेशन, या दिस इज द कोड, PLT डॉट शो कर देते हैं। ये रहे गाइस आपके टॉप 30 वर्ड्स जो सबसे ज्यादा यूज हुए हैं आपके स्पैम मैसेजेस में। सी एट द एंड काफी सारा का कोड आप बिहाइंड द सीन्स हैंडल कर लोगे scikit-learn की लाइब्रेरीज को यूज करके, बट ये सारा एनालिसिस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जनरली जब आप किसी कंपनी में कोई भी मॉडल डेवलप करते हो तो आपको अपने सीनियर्स के सामने उसका इंटरप्रेटेबिलिटी भी बताना होता है, आपको समझाना होता है कि मॉडल क्या कर रहा है, और मॉडल क्या कर रहा है ये आपको तभी समझ में आ पाएगा जब आप खुद पूरे के पूरे सिनेरियो को अच्छे से समझ के बैठे हो। तो आपको ये सब आइडिया होना चाहिए, अगर आप स्पैम क्लासिफायर बना रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि स्पैम में टॉप वर्ड्स क्या है, सो दैट आप उसको और इंटरप्रेट कर पाओ जो रिजल्ट्स आपके पास आ रहे हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि ये सारे स्टेप्स ऑप्शनल है, इसके बिना भी मैं आपको स्पैम क्लासिफायर बना के दिखा सकता हूं, बट ये मैं जानबूझ के कर रहा हूं सो दैट आपको ये समझ में आए कि मशीन लर्निंग में इंटरप्रेटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। मॉडल कितना इंटरप्रेटेबल है ये इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि जो इंजीनियर उसको बना रहा है उसको कितनी समझ है पूरे के पूरे सिनेरियो की। तो ये जो आप EDA परफॉर्म कर रहे हो ये आपका समझ बढ़ाने में हेल्प कर रहा है, दैट इज वाई वी आर डूइंग दिस, ठीक है। सो ये तो हो गया सारा का सारा स्पैम का बात। अगर आपको ये सेम चीज रिपीट करनी है तो मैं ये सारा कोड कॉपी कर रहा हूँ हैम के लिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हैम का कॉर्पस, सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे भी आ जाएगा हैम कॉर्पस, और या सही है, एक बार देख लेते हैं लेंथ ऑफ हैम कॉर्पस क्या है, 35,000 वर्ड्स, सिंस हैम वाले मैसेजेस ज्यादा हैं तो यहाँ पे वर्ड्स भी ज्यादा हैं। अब हम क्या करेंगे, ये कोड कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा H और यहाँ पे भी आ जाएगा H, आई गेस बाकी सब कुछ सेम है, एंड दीज आर द वर्ड्स यू गो गेट, काफी सारे वर्ड्स शॉर्टन हो गए हैं बिकॉज हमने स्टेमिंग किया, बट आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा, यही सारी चीजें आपको यहाँ भी दिखाई दे रही थी, सो यहाँ पे भी एग्जैक्टली यही सारी चीजें, ये यू दिखाई दे रहा है, गो दिखाई दे रहा है, कम दिखाई दे रहा है, LT आई गेस लेट है, आई एम नॉट श्योर, सो या ये रहे वो सारे वर्ड्स जो आपको ऊपर वर्ड क्लाउड में मिल रहे थे, ठीक है। तो गाइज अब हम लोग EDA कर चुके, काफी कुछ समझ लिया हमने, अब हम क्या करेंगे, हम मॉडल बिल्ड करेंगे। हम जो मॉडल बिल्ड करेंगे वो मॉडल नाइव बेस होगा, क्योंकि जनरली एक कंसेंसस है कि टेक्सचुअल डेटा के ऊपर नाइव बेस बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करेंगे नाइव बेस के साथ, बट हम लोग और भी एल्गोरिदम्स यूज करेंगे और साइड बाय साइड कंपेयर करके देखेंगे कि बेस्ट रिजल्ट किससे आ रहा है, और एंड एंड में हम लोग एंसेंबल लर्निंग भी अप्लाई करके देखेंगे कि क्या हम रिजल्ट इंप्रूव कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। सो गाइज अब हम लोग मॉडल बिल्डिंग स्टार्ट करेंगे, मतलब हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाएंगे,
और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि मॉडल जो हम बनाएंगे वो सबसे पहले नाइव बेस एल्गोरिदम का बनाएंगे, क्योंकि ये सबको पता है, इट्स काइंड ऑफ जनरल नॉलेज इन मशीन लर्निंग कि टेक्सचुअल डेटा पे सबसे बढ़िया जो परफॉर्मेंस आता है वो नाइव बेस का आता है, ठीक है। बट हम सिर्फ नाइव बेस के ऊपर ही काम नहीं करेंगे, हम और भी एल्गोरिदम्स यूज करेंगे, बट फॉर अ स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग नाइव बेस पकड़ के काम करेंगे। अब नाइव बेस या फिर किसी भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का जब आप बात करो तो उसको न्यूमेरिकल इनपुट्स चाहिए होते हैं। अब यहां पर अगर आप हमारे डेटा को देखो तो हमारा इनपुट इज दिस एज इन ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट और आउटपुट इज दिस टारगेट। तो टारगेट तो न्यूमेरिकल है बट हमारे पास जो इनपुट है वो न्यूमेरिकल नहीं है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर आप बोल सकते हो टेक्स्ट को वेक्टर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर वेक्टराइज करना पड़ेगा। और आई गेस आपको पहले से पता होगा, अगर आपने कुछ और वीडियोज देखे होंगे मेरे चैनल पे, तो ये करने के दो तीन तरीके होते हैं टेक्स्ट को वेक्टर्स में कन्वर्ट करने के। पहला तरीका होता है बैग ऑफ वर्ड्स, जहां पे आप सबसे फ्रीक्वेंट वर्ड्स का कॉलम बना लेते हो और फिर आप हर एसएमएस में चेक करोगे कि वो फ्रीक्वेंट वर्ड्स कितनी बार आ रहे हैं, तो वो जो नंबर्स आने लग जाते हैं वो नंबर्स एक्चुअली आपके वेक्टर्स बन जाते हैं, ठीक है। सेकंड एक और होता है TF-IDF और थर्ड होता है वर्ड टू वेक, ठीक है। तो हम लोग इधर स्टार्टिंग के लिए विल स्टार्ट विथ बैग ऑफ वर्ड्स। अगर आपको ये सब नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इनसे रिलेटेड वीडियोज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप एक बार जाकर के उसके बारे में पढ़ सकते हो। इनफैक्ट मैं नाइव बेस का भी प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा कि नाइव बेस कैसे काम करता है, इन केस अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है नाइव बेस क्या करता है, ठीक है। तो फिलहाल स्टेप बाय स्टेप अगर हम बात करें तो दो काम करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग हमारे जो डेटा है उसको हम लोग वेक्टराइज करेंगे यूजिंग बैग ऑफ वर्ड्स, और फिर हम उसको नाइव बेस में एज इनपुट देंगे, और उसके बाद हम लोग एक्यूरेसी वगैरह निकाल के पता करेंगे कि परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यू विल हैव टू इम्पोर्ट फ्रॉम sklearn डॉट feature extraction dot text say count vectorizer class. So I would write CV is equal to count vectorizer, और यहां पे मैं फिलहाल कुछ भी pass नहीं कर रहा, मैं लिखूंगा capital X is equal to CV dot fit transform df में transform text dot to array, क्योंकि ये जो पलट के मुझे एरे मिलता है ये स्पार्स एरे रहता है, मैं उसको डेंस एरे में कन्वर्ट कर रहा हूं। दिस इज एक्स बाय द वे, दिस इज एक्स, इसका शेप इज दिस 5169 एसएमएस 6677 वर्ड्स, ठीक है, इतने वर्ड्स हैं हमारे टोटल मिला के। अब हमें क्या करना है, हमें वाई भी एक्सट्रैक्ट करना है, तो वाई में कैसे एक्सट्रैक्ट करूंगा, मैं लिखूंगा df टारगेट डॉट वैल्यूज, सो ये वाई है, ठीक है। अब हमारे पास एक्स और वाई आ गया, अब हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट अप्लाई करेंगे। सो वी वुड राइट फ्रॉम मॉडल सेलेक्शन, क्या कर रहा हूं मैं, फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सेलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट sklearn, फिर हम लिखेंगे एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट इज इक्वल टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एक्स कॉमा वाई, टेस्ट साइज में दे रहा हूं 0.2, मतलब 20% डेटा मैं टेस्ट में भेज रहा हूं, और रैंडम स्टेट अभी 2 रख लेते हैं। और अब मैं अपने एल्गोरिदम को कॉल कर रहा हूँ फ्रॉम sklearn डॉट नाइव बेस इम्पोर्ट, दो तीन नाइव बेस एल्गोरिदम से मैं सबको इम्पोर्ट कर रहा हूँ बिकॉज मुझे पहले से डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता। सो गॉशियन नाइव बेस, मल्टीनोमियल नाइव बेस, बर्नौली नाइव बेस, तीनों का मैं एक एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। GNB इज इक्वल टू गॉशियन नाइव बेस, MNB इज इक्वल टू मल्टीनोमियल नाइव बेस, एंड BNB इज इक्वल टू बर्नौली नाइव बेस। जल्दी से ट्रेन करते हैं, सो वी वुड राइट GNB डॉट फिट एक्स ट्रेन वाई ट्रेन वाइप्रेड इज इक्वल टू, इनफैक्ट यहाँ पे लिखते हैं वाइप्रेड वन इज इक्वल टू
जीएनबी डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट, और उसके बाद हमें कुछ मैट्रिक्स चाहिए होंगे. सो आई वुड राइट sklearn डॉट मैट्रिक्स इम्पोर्ट एक्यूरेसी स्कोर कंफ्यूजन मैट्रिक्स एंड प्रिसिजन स्कोर, क्योंकि ये हाई प्रिसिजन मॉडल है. ईमेल स्पैम क्लासिफायर या एसएमएस स्पैम क्लासिफायर में आप ट्रू पॉजिटिव्स को रिड्यूस करना चाहते हो, तो दिस इज अ हाई प्रिसिजन मॉडल. नेक्स्ट व्हाट वी विल डू इज विल प्रिंट आउट एक्यूरेसी स्कोर. यहाँ पे आएगा वाई टेस्ट वाई प्रेड वन. इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको प्रिंट के अंदर डाल देते हैं. उसके बाद प्रिंट करेंगे कंफ्यूजन मैट्रिक्स, और उसके बाद प्रिंट करेंगे प्रिसिजन स्कोर लाइक दिस. ठीक है, ये हमारा गॉशियन नाइव बेस का आउटपुट होगा. एंड यू कैन सी एक्यूरेसी इज 0.87 और ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स है और प्रिसिजन स्कोर तो बहुत ही कम है, तो ये तो बहुत ही खराब परफॉर्म कर रहा है. आई विल सिंपली कॉपी दिस एंड पेस्ट इट, और यहाँ पे आ जाएगा एमएनबी, यहाँ पे भी आ जाएगा एमएनबी, यहाँ पे आ जाएगा 2 2 2 2. यह है मल्टीनोमियल नाइव बेस और इसका आउटपुट अच्छा है, 96% एक्यूरेसी आ रहा है और प्रिसिजन स्कोर अभी भी उतना बढ़िया नहीं है, 0.84. हमें चाहिए कि प्रिसिजन स्कोर ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है, क्योंकि इम्बैलेंस डेटा है, एक्यूरेसी उतना मैटर नहीं करता जितना प्रिसिजन स्कोर यहाँ पे मैटर करता है. लेट्स चेक फॉर बर्नौली बीएनबी, दिस वुड बी 3, दिस वुड बी बी 3 3 3. इसका एक्यूरेसी पिछले वाले से भी बढ़िया है और इसका प्रिसिजन स्कोर भी अच्छा है. सो या अभी तक तो सबसे अच्छा बर्नौली ही बिहेव कर रहा है. एक काम कर सकते हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए, ट्राई करने के लिए, व्हाट वी कैन डू इज रादर देन यूजिंग काउंट वेक्टराइजर, मतलब बैग ऑफ वर्ड्स के बदले आई यूज TF-IDF, ठीक है, TF-IDF वेक्टराइजर मैं यूज करूंगा. और आई विल क्रिएट TF-IDF का ऑब्जेक्ट और इस बार मैं x जो बनाऊंगा वो TF-IDF से बनाऊंगा. ठीक है, एक कंप्लीटली नया x क्रिएट कर रहा हूं मैं. इसका भी शेप वैसे वही होगा, y अभी भी सेम होगा. ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एक बार फिर से कर रहे हैं, ये सारी चीजें फिर से इंपोर्ट कर रहे हैं, तीनों ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं. और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, TF-IDF के ऊपर गॉशियन नाइव बेस लगा रहे हैं. कुछ खास इंप्रूवमेंट तो नहीं हुआ यहाँ पे. लेट्स टॉक अबाउट MNB मल्टीनोमियल नाइव बेस. हाँ, यहाँ पे देखो गाइस क्या हुआ, एक्यूरेसी थोड़ा सा घट गया लेकिन प्रिसिजन स्कोर बहुत इंप्रूव कर गया. लाइक एक भी गलती नहीं कर रहा, एक भी फॉल्स पॉजिटिव नहीं दे रहा. अगर मैंने पहले ट्रू पॉजिटिव बोला तो प्लीज इग्नोर दैट, फॉल्स पॉजिटिव होगा. और अगर हम इसके ऊपर बात करें तो 0.98 है इसका, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए. तो अब हमारे पास ऑप्शन है, इधर वी कैन गो विथ बर्नौली नाइव बेस और मल्टीनोमियल नाइव बेस. सिंस प्रिसिजन स्कोर ज्यादा मैटर कर रहा है इस केस में, आई विल गो विथ मल्टीनोमियल नाइव बेस. ऑल्दो एक्यूरेसी थोड़ा कम है, बट एक्यूरेसी यहाँ पे रिलायबल मेजर नहीं है क्योंकि डेटा इम्बैलेंस है. यहाँ पे ज्यादा जो फर्क पड़ रहा है वो प्रिसिजन से पड़ेगा. ठीक है, तो प्रिसिजन यहाँ पे एकदम सही है, एक भी गलती नहीं कर रहा है, एक भी ऐसा ईमेल क्लासिफाई नहीं हो रहा है जो स्पैम नहीं था बट उसको आपने स्पैम बोला, तो ये अच्छी बात है. तो इसको हम लोग अपने पास रखेंगे. विल कीप MNB विथ TF-IDF. मैं यहाँ तक ऐसे लिख देता हूँ कि हमने चूज किया है TF-IDF और उसके बाद MNB. ठीक है, एक चीज और ट्राई कर सकते हैं. चलो ठीक है, वो हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे जब हम लोग मॉडल को इम्प्रूव करने का ट्राई करेंगे, वहां पे हम वो चीज को ट्राई करेंगे. अब मैं एक काम करता हूँ, मैं
कुछ और मशीन लर्निंग मॉडल्स को लाता हूँ और उनको कंपेयर करता हूँ विथ मल्टीनोमियल नाइव बेस वाले सेटिंग के साथ, ठीक है? सो दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट। सो गाइज, आगे का कोड मैंने थोड़ा लिख लिया है, बिकॉज ये जो कोड था इसमें मैंने बहुत सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को ट्रेन किया वन बाय वन और सबके रिजल्ट्स को रिकॉर्ड किया, सो दैट साइड बाय साइड कंपैरिजन हो पाए, ठीक है? सो यू कैन सी दीज आर द मॉडल्स दैट आई टेस्टेड, ऑलमोस्ट सारे ही क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर, मल्टीनोमियल तो हमने चेक किया ही था, डिसीजन ट्री, KNN, रैंडम फॉरेस्ट, एडा बूस्ट, बैगिंग क्लासिफायर, एक्स्ट्रा ट्रीज क्लासिफायर, GBDT और XG बूस्ट, ठीक है? सारे के सारे ट्राई कर लिए हमने। मैंने सबका ऑब्जेक्ट्स बना लिया, सेटिंग्स में ज़्यादा चेंजेस नहीं किया, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग बहुत ही बेसिक लेवल का किया अपने अंडरस्टैंडिंग, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। एक डिक्शनरी बनाया जहाँ पे कीज में एल्गोरिदम का नाम था और वैल्यूज में ये ऑब्जेक्ट्स थे, ठीक है? उसके बाद एक फंक्शन बनाया ट्रेन क्लासिफायर बोल के, जिसको हम क्लासिफायर दे रहे हैं और अपना ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा दे रहे हैं, और ये फंक्शन क्या कर रहा है, ट्रेनिंग डेटा पे उस क्लासिफायर को ट्रेन कर रहा है, एक्यूरेसी कैलकुलेट कर रहा है, प्रिसीजन स्कोर कैलकुलेट करके आपको वापस रिटर्न कर रहा है। सिंपल सा फंक्शन है, ठीक है? और ये एक एग्जाम्पल है उस फंक्शन को रन करने का। यहाँ पे मैंने SVC एज इन सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर को ट्रेन किया और ये मेरा रिजल्ट आ रहा है, 97% एक्यूरेसी, 97% प्रिसीजन, ठीक है? उसके बाद अब मैंने एक लूप चलाया इस डिक्शनरी के ऊपर, इस डिक्शनरी के ऊपर लूप चलाया और बेसिकली हर बार एक एल्गोरिदम को पकड़ा, मॉडल को ट्रेन कराया और एक्यूरेसी और प्रिसीजन स्कोर को मैं स्टोर करता चला गया फॉर एवरी एल्गोरिदम, ठीक है? और ऐसा करने के बाद मैंने उस पूरी चीज को एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया, एंड दिस इज द डेटा फ्रेम गाइज, ये वो डेटा फ्रेम है, आप ये कोड देख सकते हो, कोड में उतना जान नहीं है, बट यू कैन सी मैंने एक्यूरेसी के बेसिस पे सॉर्ट कर रखा है, सबसे ज्यादा एक्यूरेसी सबसे ऊपर, तो सबसे ज्यादा बढ़िया एक्यूरेसी जो आ रहा है वो एक्स्ट्रा ट्रीज क्लासिफायर का है। अब आप पूछोगे एक्स्ट्रा ट्रीज क्लासिफायर क्या होता है, इट इज रैंडम फॉरेस्ट, रैंडम फॉरेस्ट का एक वेरिएशन है, थोड़ा और ज्यादा रैंडम होता है वो, रैंडम फॉरेस्ट से भी ज्यादा रैंडम होता है, आप उसके बारे में पढ़ सकते हो, गूगल कर सकते हो। सो एक्स्ट्रा ट्री सबसे बढ़िया एक्यूरेसी दे रहा था और इसका प्रिसीजन भी अच्छा आ रहा था, 99.1। सपोर्ट वेक्टर मशीन का भी एक्यूरेसी अच्छा आ रहा है, प्रिसीजन ठीक ठाक है, एक्सजी बूस्ट प्रिसीजन के मामले में थोड़ा पीछे हो जा रहा है, रैंडम फॉरेस्ट दोनों में ही अच्छा है जस्ट लाइक एक्स्ट्रा ट्रीज, एडा बूस्ट का भी एक्यूरेसी ठीक है, नाइव बेस एक्चुअली इट्स वन ऑफ दोज एल्गोरिदम्स जिसका प्रिसीजन स्कोर सबसे पहले 100% हो रहा है गिवन एक्यूरेसी इज हाई। तो अभी भी मतलब अगर आपके पास ऑप्शन देखे जाए तो आपके पास ये है एक्स्ट्रा ट्रीज, सपोर्ट वेक्टर मशीन, रैंडम फॉरेस्ट बिकॉज 99% आपका प्रिसीजन है, और एक्चुअली एक काम कर सकते हैं हम लोग कि हम लोग एक्यूरेसी के बदले प्रिसीजन के ऊपर अगर रन करके देखें, तो के नियरेस्ट नेबर है 1 पे, नाइव बेस है 1 पे, लेकिन नाइव बेस का एक्यूरेसी इज ग्रेटर देन के नियरेस्ट नेबर्स। उसके बाद जो ओवरऑल अच्छा स्कोर है वो एक्स्ट्रा ट्रीज का है और रैंडम फॉरेस्ट का है, तो टॉप 5 में, मतलब मैं KNN को तो कंसिडर नहीं करूंगा, इसका एक्यूरेसी बहुत नीचे है, बट ये 4 एल्गोरिदम्स हैं जो आपको सबसे बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं, और इसमें अगर आप अगेन प्रिसीजन को सबसे ज्यादा वैल्यू करना चाहते हो, फोकस करना चाहते हो, तो आपको फिर नाइव बेस ही सबसे बढ़िया रिजल्ट दे रहा है अभी भी, और अगर आपको ओवरऑल वेल राउंडेड रिजल्ट चाहिए तो रैंडम फॉरेस्ट को आप ले सकते हो या एक्स्ट्रा ट्रीज को ले सकते हो, दोनों एक्चुअली ऑलमोस्ट सेम चीज होती है। तो अभी भी पता नहीं, आई एम नॉट श्योर, आई एम रियली इंक्लाइन टुवर्ड्स नाइव बेस बिकॉज प्रिसीजन बहुत मैटर करेगा इस पूरी चीज में, और एक्यूरेसी कोई बहुत खराब नहीं है नाइव बेस का, तो ठीक है, मतलब विल डिसाइड। एक काम करते हैं, आप थोड़ा सा मॉडल को इम्प्रूव करने का ट्राई करते हैं, ठीक है? हाँ, कुछ चीजें हम लोग ट्राई करेंगे जिससे मॉडल का परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सकता है, ठीक है? तो हम लोग क्या क्या ट्राई करेंगे, बाय द वे ये मैंने ग्राफ भी प्लॉट किया था सेम चीज का, सो यू कैन सी ऑरेंज वाला बार रिप्रेजेंट्स प्रिसीजन, ब्लू वाला बार रिप्रेजेंट्स एक्यूरेसी, एंड यू कैन सी नाइव बेस एंड के नियरेस्ट नेबर 1 है एज एन 100%, और एक्यूरेसी के बेसिस पे भी आप कंपैरिजन कर सकते हो। इट्स बेसिकली आप एक बार ठहर के देखो कौन सा आपको बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है, और अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मॉडल को इम्प्रूव करने का ट्राई करेंगे। हम लोग कुछ चीजें करेंगे जिससे मॉडल का परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सकता है।
सो गाइस, जो सबसे पहला चीज हम कर रहे हैं मॉडल इम्प्रूव करने के लिए वो है कि जब हमने टीएफ आईडीएफ वेक्टराइजर क्लास को इम्पोर्ट किया था, वहां पर एक हिडन पैरामीटर होता है मैक्स फीचर्स बोल के। मतलब आप जब वेक्टराइज कर रहे हो अपने टेक्स्ट को तो कितने वर्ड्स के लिए वेक्टराइज करना चाहते हो, ठीक है। तो हमने वहां पे कुछ भी वैल्यू नहीं दिया था, तो जितने भी वर्ड्स थे, जितने भी यूनिक वर्ड्स थे, हमने सबको ले लिया। सो देर वर अराउंड 6,000 वर्ड्स। बट अगर आप चाहो तो वहां पे मैक्स फीचर्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, नंबर ऑफ वर्ड्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। सो अगर आपने 1,000 वैल्यू दिया, इसका मतलब आप अपने पूरे कॉर्पस में से 1,000 सबसे ज्यादा यूज होने वाले वर्ड्स को ही ले रहे हो, बाकी सबको इग्नोर कर रहे हो। सो मैंने वही किया, मैं ऊपर गया एकदम अपने कोड में और वहां पर मैंने एक चेंज किया। सो जब मैंने टीएफ आईडीएफ वेक्टराइजर को कॉल किया, मैंने मैक्स फीचर्स को 3,000 कर दिया। 3,000 क्यों किया? मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा, 1,000, 1,500, 2,000, मैंने वीडियो पॉज करके एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। मेरे को बेस्ट रिजल्ट जो मिला वो 3,000 के ऊपर मिला। सो आगे का पूरा कोड मैंने सेम टू सेम दोबारा से रन कर लिया और सेम चीज मैंने सारे एल्गोरिदम्स के ऊपर भी अप्लाई कर दिया और जो रिजल्ट्स आए, मतलब जो एक्यूरेसी और प्रिसीजन फिर से कैलकुलेट हुआ हर एल्गोरिदम के लिए, उसको मैंने अपेंड कर दिया पुराने वाले रिजल्ट्स के साथ, लाइक दिस। ये है पुराना वाला रिजल्ट विदाउट टचिंग द मैक्स फीचर्स वाला कॉलम हाइपर पैरामीटर, एंड दिस इज जब हमने 3,000 का वैल्यू देके रखा। तो आप साइड बाय साइड अगर कंपेयर करो तो बहुत ज्यादा चेंजेस हुए नहीं है, सिर्फ एक चेंज हुआ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो नाइव बेस का एक्यूरेसी पहले था 95.9, वो बढ़ के 97.1 हो गया, ठीक है, और प्रिसीजन अभी भी 1 है। तो इन शॉर्ट, जो एक प्रॉब्लम था नाइव बेस में कि उसका एक्यूरेसी स्कोर थोड़ा कम था रैंडम फॉरेस्ट और एक्स्ट्रा ट्रीज के कंपैरिजन में, अब वो भी कंपेरेबल हो चुका है। ये देखो, ये एक्स्ट्रा ट्रीज का एक्यूरेसी स्कोर है और ये आपका रैंडम फॉरेस्ट का है, और इन दोनों का थोड़ा थोड़ा सा प्रिसीजन भी घट गया। तो इस पॉइंट पे अगर आप देखो, ये चेंज अप्लाई करने के बाद सबसे पावरफुल एल्गोरिदम जो आपके पास है इस प्रॉब्लम के ऊपर, दैट इज नाइव बेस, ठीक है। अब एक और काम करते हैं। नेक्स्ट काम हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग हमने जब वेक्टराइज किया, ऊपर जब हमने वेक्टराइज किया टीएफ आईडीएफ के थ्रू, जब हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया, तो ये जो एक्स था ये कुछ ऐसा था, ठीक है। अब इसमें बीच बीच में कहीं कहीं पे नंबर्स होंगे। अब एक काम जो हम कर सकते हैं, हम इसको स्केल कर सकते हैं 0 से 1 के बीच में, या फिर कोई भी स्केलिंग अप्लाई कर सकते हो आप। लेट्स सी, क्या पता स्केलिंग से कुछ एल्गोरिदम्स का परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर जाए, वी नेवर नो। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वीडियो पॉज करके स्केलिंग अप्लाई कर रहा हूँ और मैं आपको रिजल्ट्स फिर से वैसे ही अपेंड करके दिखाता हूँ। सो या गाइस, मैंने फिर से पूरी चीज को रीरन किया। दिस इज द कोड फॉर स्केलिंग। सो सबसे पहले मैंने वेक्टराइज किया, उसके बाद जो एक्स मिला मुझे, मैंने उसको स्केल कर दिया यूजिंग मिन मैक्स स्केलर। स्टैंडर्ड स्केलर इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि स्टैंडर्ड स्केलर आपको नेगेटिव वैल्यूज भी देता है और वो फिर नाइव बेस एक्सेप्ट नहीं करता, दैट इज वाई मिन मैक्स स्केलर किया। और बाकी आगे का कोड मैंने एज इट इज दोबारा से रन किया, सब कुछ एज इट इज, और ये मेरे रिजल्ट्स हैं स्केलिंग के। सो अगेन, आप साइड बाय साइड कंपेयर कर सकते हो कि अगर हमारा फोकस अभी भी नाइव बेस पे है तो स्केल करने से थोड़ा सा एक्यूरेसी इंप्रूव कर गया, बट प्रिसिजन काफी डाउन हो गया, मतलब फायदा नहीं हुआ। और अगर आप बाकियों को भी कंपेयर करो, जो हमारे टॉप मॉडल्स थे, टॉप परफॉर्मिंग मॉडल्स जो भी थे, उनमें कुछ खास चेंजेस हुए नहीं, कुछ खास फायदा हुआ नहीं ये स्टेप करके। सो दैट इज वाई मैंने डिसाइड किया है कि मैं स्केलिंग को अपने फ्लो में इंटीग्रेट नहीं करूंगा, आई विल रिमूव इट, ठीक है। मैं इस कोड में कमेंट आउट कर दूंगा उसको और आप ट्राई कर सकते हो, मतलब, बट मुझे इस पॉइंट पे कोई फायदा नहीं दिख रहा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट ऑफ इंप्रूवमेंट है हमारा, वो ये हो सकता है कि अगर आपको याद होगा, हमने एक नया फीचर खुद का क्रिएट किया था। इनफैक्ट हमने 3 नए फीचर्स क्रिएट किए थे, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ सेंटेंसेस। तो मैं क्या करूंगा कि मैं उस नंबर ऑफ अल्फाबेट्स या नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को अपने इनपुट में ऐड कर लूंगा, अपेंड कर लूंगा, और पूरा का पूरा फ्लो को मैं फिर से रन करूंगा बाय एडिंग दैट एक्स्ट्रा कॉलम। देखते हैं कि उस एडिशनल कॉलम से कोई फायदा होता है या नहीं, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। अगेन आई विल पॉज द वीडियो एंड आई विल रन द कोड। सो या गाइस, मैंने ये कोड भी ट्राई किया। सो मैंने फिर से टीएफ आईडीएफ को इनिशियलाइज किया, वेक्टराइज किया
और उसके बाद ये रहा वो स्टेप जहाँ पे मैंने एग्जिस्टिंग एक्स जो है वेक्टराइज करने के बाद उसमें ये कॉलम को अपेंड कर दिया, और अब आप देख सकते हो एक्स डॉट शेप इज 3001. 3000 इज कमिंग फ्रॉम वेक्टराइजेशन एंड द लास्ट कॉलम इज कमिंग फ्रॉम दैट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वाला कॉलम. बट ऑनेस्टली इससे भी कोई खास फायदा हुआ नहीं. मैंने सेम जब अपेंड किया रिजल्ट को, दीज आर द रिजल्ट. सो यू कैन सी अगर आप नाइव बेस के टर्म्स में बात करो तो एक्यूरेसी घट गया है, 94 हो गया, प्रिसीजन वापस 1 हो गया. तो अगर आप चारों को कंपेयर करो, चारों सेट्स को, तो अभी भी जो आपको बेस्ट रिजल्ट मिल रहा है वो आपको इस इम्प्रूवमेंट के बाद ही मिल रहा है, और वो ये है 97% एक्यूरेसी और 1 एज इन 100% प्रिसीजन का कॉम्बिनेशन जो आपको मिल रहा है वो आपको बस सेकेंड वाले इम्प्रूवमेंट में हो लग रहा है. ठीक है, अब एक लास्ट चीज जो मैं करूंगा वो ये है कि मैं वोटिंग क्लासिफायर यूज करूंगा. सो मैं अपने बेस्ट परफॉर्मिंग मॉडल्स का कॉम्बिनेशन क्रिएट करूंगा, और लेट्स सी कि वो जो कॉम्बिनेशन है वो आउट परफॉर्म कर पाता है कि नहीं नाइव बेस को. ठीक है, मेरा आइडिया, मेरा गोल इज कि प्रिसीजन 100% रहना चाहिए, एक्यूरेसी मुझे 97.1 से बढ़ाना है. ठीक है, लेट्स ट्राई दैट. सो या गाइस, मैंने लास्ट चीज भी ट्राई किया, दैट इज मैंने एक वोटिंग क्लासिफायर बनाया जो मेरे बेस्ट परफॉर्मिंग एल्गोरिदम्स थे उनका कॉम्बिनेशन. सपोर्ट वेक्टर मशीन को लिया मैंने, मल्टीनोमियल नाइव बेस को लिया, और एक्स्ट्रा ट्री क्लासिफायर को लिया. और जब मैंने इसको ट्रेन किया, आई होप आपको वोटिंग क्लासिफायर्स के बारे में पता है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पढ़ सकते हो उसके बारे में. इट्स बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एल्गोरिदम्स, ठीक है, जो कि जनरली आपके बेस्ट एल्गोरिदम से भी अच्छा परफॉर्म कर जाता है कभी कभी. तो मैं वही ट्राई कर रहा था, एंड यू कैन सी दिस इज द आउटकम ऑफ दिस वोटिंग क्लासिफायर. एक्यूरेसी 98.1, प्रिसीजन 99.1, मतलब एक्स्ट्रा ट्रीज क्लासिफायर से ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, और प्रिसीजन सिंस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस वन एज माय मॉडल ऑब्वियसली. फिर मैंने एक और चीज ट्राई की, मैंने स्टैकिंग ट्राई किया. स्टैकिंग इज वेरी सिमिलर टू वोटिंग. स्टैकिंग में आप क्या करते हो कि आप के जो जिसका कॉम्बिनेशन बनाते हो आप, जैसे मैंने फिर से इन्हीं तीन एल्गोरिदम्स का कॉम्बिनेशन बनाया, तो आप इनको वेटेज देते हो. जैसे वोटिंग में तीनों का बराबर से होता है, स्टैकिंग में वेटेज डिसाइड होता है यूजिंग अ फाइनल एस्टिमेटर, जो मैंने यहाँ पे रैंडम फॉरेस्ट रखा. और इसको भी रन करने से मुझे कुछ खास रिजल्ट्स नहीं आए. सो ऑनेस्टली इन दोनों अप्रोचेस से मुझे कोई खास फायदा हुआ नहीं, ठीक है, बट मैंने सब कुछ ट्राई नहीं किया है. मतलब सिंस मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और मुझे बस आपको दिखाना है कि चीजें ऐसे होती हैं, अगर मैं कंपनी में काम कर रहा होता और अपने क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट बना रहा होता तो मैं शायद और ज्यादा चीजें ट्राई करता, बट मैंने यहाँ पे ज्यादा चीजें ट्राई नहीं की है. तो आई वुड रिकमेंड कि आप एक बार इसको ट्राई करो, लेट्स होप शायद बढ़ जाए एक्यूरेसी. तो फिलहाल तो नहीं बढ़ रहा है, तो हम लोग सीधा सीधा एक काम करेंगे, हम लोग मल्टीनोमियल नाइव बेस को यूज कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि दैट इज आर बेस्ट परफॉर्मिंग मॉडल. अब सिंस हमने डिसाइड कर लिया हमारा कौन सा मॉडल होगा, अब हम लोग एक पाइपलाइन क्रिएट करेंगे और उसी पाइपलाइन को हम कन्वर्ट कर देंगे इनटू अ वेबसाइट. वैसे इस केस में गाइस हमें ज्यादा पाइपलाइन की जरूरत है नहीं. अगर आप सोचो तो अगर आपके पास कोई नया ईमेल आता है, आपको टोटल मिला के 3 स्टेप्स परफॉर्म करने हैं. पहला स्टेप, आप उसको प्री प्रोसेस करोगे. हमने एक फंक्शन बनाया था जो टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग करता था, ये फंक्शन ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट. इस फंक्शन का काम था कि अगर आप इसको एक स्ट्रिंग देते हो तो ये आपको सारी प्री प्रोसेसिंग अप्लाई करके एक नया टेक्स्ट देता था, लेमिटाइजेशन करके, स्टॉप वर्ड्स हटा के, लोअर टेक्स्ट में कन्वर्ट करके, सारे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके देता था. तो कभी भी आपके पास जब नया ईमेल आएगा तो आपका पहला स्टेप होगा टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है. स्टेप 2 होगा वेक्टराइज करना, और स्टेप 3 होगा उसके ऊपर एल्गोरिदम अप्लाई करना, ठीक है. सो हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहां से 2 फाइल्स को पिकल कर लेंगे. सो आई विल इंपोर्ट pickle and I would write pickle.dump. सबसे पहले जो मैं pickle कर रहा हूँ object वो है tfidf, और इसको मैं vectorizer.pkl के नाम से भेजूंगा, write binary और pickle.dump. सेकेंड जो चीज है वो है mnb, और इसको भी मैं भेजूंगा as
model.pkl राइट बाइनरी, ठीक है। एक बार ये पूरी चीज करने के पहले आई जस्ट क्रॉस चेक कि ये सब कुछ सही से काम कर रहा है, सो आई रन दीज थिंग्स वन मोर टाइम। एक्स का शेप इज 3000, वाई एक्सट्रैक्ट किया, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया और यहां पर मैंने ये चला लिया। तो या दिस इज माई फाइनल सेटअप। अब मैं जाकर के इस कोड को रन करूंगा, रन हो गया और अब आई विल गो टू दिस यूआरएल, तो मुझे दोनों चीजें मिल जाएंगी। ये रहा मेरा वेक्टराइजर एज इन मेरा TF-IDF वेक्टराइजर और ये रहा मेरा मॉडल, ठीक है। दोनों ही बहुत छोटी फाइल्स हैं। अब हम क्या करेंगे, एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे पाइचार्म में। आई विल क्विकली क्रिएट द प्रोजेक्ट। Meanwhile, I'll go to my PC, my projects, ML projects, users, और यहाँ पर machine learning projects बोल के मेरे पास एक folder है और वहाँ से मुझे ये file चाहिए और ये file चाहिए। इन दोनों को मैं cut कर रहा हूँ और यहाँ पर आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट बाय द नेम ऑफ SMS स्पैम क्लासिफिकेशन। वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज करूंगा मैं पाइथन 3.9 के ऊपर। क्रिएट दिस विंडो, मीनवाइल हम लोग एक काम कर सकते हैं, सिंस हम लोग स्ट्रीमलेट यूज करेंगे हम लोग स्ट्रीमलेट का डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर सकते हैं। स्ट्रीमलेट डॉक्यूमेंटेशन, सो हमारा जो वेबसाइट होगा वो बहुत ही सिंपल होगा। वहां पे ऊपर एक जगह पर लिखा होगा ईमेल स्पैम क्लासिफायर या SMS स्पैम क्लासिफायर और एक टेक्स्ट फील्ड होगा जहाँ पे यूजर टाइप करेगा मैसेज और जैसे ही वो प्रिडिक्ट पे क्लिक करेगा एक बटन होगा प्रिडिक्ट, जिसपे क्लिक करने पर हम तुरंत आउटपुट कर देंगे कि स्पैम है या हैम है, ठीक है। सो हमें सबसे पहले जाना है API रेफरेंस में और यहाँ पर हमें चाहिए है इंटरैक्टिव विजेट्स, बटन, चेकबॉक्स, रेडियो, टेक्स्ट इनपुट, हम ये वाला यूज करेंगे। सो दिस इज माय प्रोजेक्ट, आई विल क्रिएट अ न्यू फाइल। अच्छा, मीनवाइल आई विल फर्स्ट पेस्ट बोथ द PKL फाइल्स एंड आई विल क्रिएट अ न्यू फाइल, आई विल कॉल इट app.py और सबसे पहले आई विल इम्पोर्ट स्ट्रीमलेट एज ST। ऑब्वियसली ये काम नहीं करेगा तो आई विल गो हेयर एंड आई विल इंस्टॉल pip install streamlet। इट विल टेक सम टाइम बट ये इंस्टॉल हो जाना चाहिए। मीनवाइल आई विल राइट आगे का कोड, इम्पोर्ट पिकल, आई वुड राइट TF-IDF इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड ओपन वेक्टराइजर डॉट PKL इन रीड बाइनरी मोड एंड मॉडल इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड ओपन मॉडल डॉट PKL अगेन इन रीड बाइनरी मोड। ओके, सो नेक्स्ट थिंग वुड बी कि हमें यहाँ पे लिखना होगा ST.title के अंदर email slash SMS spam classifier, फिर हम लिखेंगे ST.textbox text input actually और यहां पे हम लिखेंगे movie title life of Brian।
एंटर द मैसेज और ये हमारा एसएमएस होगा, इसका नाम होगा इनपुट एसएमएस। अब यहां से हमें तीन स्टेप्स में काम करना है। फर्स्ट स्टेप में वी हैव टू प्री प्रोसेस, स्टेप टू में वेक्टराइज, स्टेप थ्री में प्रिडिक्ट और स्टेप फोर में डिस्प्ले। ये चार स्टेप्स में हमें काम करना है। प्री प्रोसेस करने के लिए हमें ये फंक्शन चाहिए जो हमने यहां पे बनाया था, दिस फंक्शन। आई विल कॉपी इट एज इट इज। इसको मैं एक्सपोर्ट भी कर सकता था वैसे पिकल को यूज करके, बट मैंने नहीं किया। सो दिस इज द फंक्शन, दिस इज द फंक्शन ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट। सो हमें जो भी इनपुट एसएमएस मिलेगा हम ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट में उसको भेज देंगे। और पलट के मुझे ट्रांसफॉर्म्ड एसएमएस मिल जाएगा। फिर मुझे उसको वेक्टराइज करना है, तो वेक्टराइज करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा tfidf.transform और ट्रांसफॉर्म करते टाइम मैं ट्रांसफॉर्म्ड एसएमएस एक लिस्ट के अंदर पास कर दूंगा और ये मुझे मेरा वेक्टर इनपुट मिल जाएगा, वेक्टर इनपुट। और यही वेक्टर इनपुट मैं मॉडल डॉट प्रिडिक्ट में दूंगा और पलट के मुझे 1 या 0 मिलेगा। उसका मैं 0th आइटम निकालूंगा और वही मेरा रिजल्ट होगा। और यहाँ पे आई विल चेक इफ रिजल्ट इक्वल टू 1, तो मैं लिखूंगा st.header और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा स्पैम, else st.header not spam। ये हो गया गाइज हमारा आउटपुट, ठीक है। सो ओके, यहाँ पर एक दो गड़बड़ है, हमें NLTK इंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर स्टॉप वर्ड्स है, हमें स्ट्रिंग को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट स्ट्रिंग हो गया, स्टॉप वर्ड्स तो हमें NLTK से ही मिलेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टर्मिनल पे जाके pip install NLTK करना पड़ेगा। सो या गाइस हमारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो गई है। अब मैं यहाँ पे सारे इंपोर्ट्स ले लेता हूँ। सो आई वुड राइट फ्रॉम nltk.corpus import stopwords, NLTK को भी अलग से इंपोर्ट कर लेते हैं, और फ्रॉम nltk.stem.porter import porter stemmer, और porter stemmer का एक ऑब्जेक्ट बना ले रहे हैं ps बोल के क्योंकि इसकी जरूरत हमें इस फंक्शन के अंदर पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो हो गया पूरा सेटअप। अब हम इस कोड को रन करते हैं। सो विल गो टू टर्मिनल एंड विल टाइप स्ट्रीमलेट रन app.py और दिस इज आवर ऐप। और यहाँ पे पहले से ही नॉट स्पैम आ रहा है। ओके, इसका रीजन ये है कि हमने बटन तो ऐड किया ही नहीं। सो दिस इज द प्रॉब्लम कि जैसे ही वो इनपुट मुझे मिल रहा है उसके बाद एक बटन ऐड करना पड़ेगा। सो वी वुड राइट इफ st.button, बटन का नाम होगा प्रिडिक्ट, अगर कोई इस बटन को क्लिक करेगा तो हम ये चारों स्टेप्स परफॉर्म करेंगे, पहले से नहीं, ठीक है। सो एक बार इसको रीलोड करते हैं। या दिस इज इट, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक चीज और, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको ठीक कर लेते हैं। सो या दिस इज इट। अगर हम इसका साइज थोड़ा नॉर्मल कर ले तो ये ऐसा दिखना चाहिए।
just one second, guys. Yeah. So this is the website. Let's type a message. Hi, saw your presentation today. Would you like to meet for a discussion? Let's say ये हमारा मैसेज है और अब हम प्रेडिक्ट पे क्लिक करें तो क्लियरली दिख रहा है कि ये स्पैम नहीं है. सो अगर हम क्लिक करते हैं तो ये बोल रहा है स्पैम नहीं है. ठीक है, अब एक काम करते हैं गाइस. मैंने कुछ एसएमएसेस इंटरनेट से कलेक्ट किए हैं. दीज आर सम स्पैम मैसेजेस और बीच में मैंने कुछ नॉट स्पैम मैसेजेस खुद से टाइप कर लिए. मैं एक एक करके ये 5-6 मैसेजेस हैं उनको टेस्ट करते हैं एक बार हमारे इस वेबसाइट के ऊपर, देखते हैं कैसा रिजल्ट आ रहा है. उसके पहले एक माइनर चेंज करूंगा मैं वेबसाइट में, और वो ये है कि ये जो टेक्स्ट इनपुट है इसके बदले मैं टेक्स्ट एरिया यूज करूंगा, सो दैट थोड़ा ज्यादा स्पेस मिलेगा यूजर को टाइप करने के लिए. इट वुड लुक लाइक दिस. ठीक है, यहाँ पे आप मल्टी लाइन टाइप कर सकते हो. ठीक है, टेक्स्ट एरिया आई गेस आपको पता होगा. तो अब एक एक करके गाइस ट्राई करते हैं. जैसे कि ये देखो, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव वॉन 1000, कॉल ऑन दिस नंबर टू गेट योर प्राइज. सो सबसे पहले मैं ये टाइप कर रहा हूँ. अब क्लियरली देख के लग रहा है कि ये एक स्पैम मैसेज है, देखते हैं क्या होता है. सो हमारा मॉडल बोल रहा है कि ये स्पैम है. ठीक है, नेक्स्ट, यू कुड बी एंटाइटल्ड अप टू 3160 pound इन कंपनसेशन फ्रॉम मिस सोल्ड PPI ऑन, जो भी है यार, ये भी एक स्पैम जैसा ही साउंड कर रहा है. इसको भी हम यहाँ पे डाल रहे हैं और प्रिडिक्ट पे क्लिक कर रहे हैं और अभी भी ये बोल रहा है स्पैम है. नेक्स्ट इज, आई एम फ्री टूडे, लेट्स गो आउट फॉर अ मूवी, व्हाट डू यू से. ये क्लियरली एक नॉट स्पैम मैसेज है और लेट्स सी हमारा मॉडल क्या बोल रहा है. हमारा मॉडल बोल रहा है नॉट स्पैम. और एक ये देखते हैं, This also sounds like a spam. Loan approved है, 1 minute verification, जो भी इस तरह के बहुत सारे SMSs आते रहते हैं हमें. तो predict पे क्या, spam. ठीक है, अभी तक कोई भी गलती नहीं कर रहा है. Did you see the match? It was insane. Again, not spam. Let's see. Not spam. अभी भी कोई गलती नहीं कर रहा. एक और try करते हैं spam. And predict spam. The last one is I love you. Do you love me? प्यार मोहब्बत से बात को खत्म करते हैं. अगर इसको बोलता है not spam, तो हमारा काम हो गया. Not spam. So you can see, guys, हमने 8-9 अलग अलग SMSs try किए और इनमें से किसी में भी हमारे मॉडल ने गलती नहीं की. So I'm not saying कि कोई भी गलती नहीं करेगा. गलती तो करेगा ही करेगा, क्योंकि 100% accuracy नहीं है, 97% है. बट अगेन इट इज वर्किंग फाइन. अब बस एक लास्ट काम बच गया, वो ये है कि हमें इसको डिप्लॉय करना है हेरोकु के ऊपर. ठीक है, सो वो हम लोग नेक्स्ट करेंगे. सो गाइस, डिप्लॉयमेंट के लिए आपको सबसे पहले हेरोकु पे जाना होगा. विल गो टू हेरोकु और वहां पे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा अगर आपने साइन अप नहीं कर रखा है, और अगर आपने कर रखा है तो फिर बस लॉग इन करना पड़ेगा. आपको आपका डैशबोर्ड दिखाई देगा, जैसे कि ये मेरा डैशबोर्ड है, और यहाँ पर आपको एक नया ऐप बनाना होगा. ऐप का नाम है ईमेल स्पैम क्लासिफायर कैंपस एक्स. लेट्स होप ये यूआरएल अवेलेबल है. यह यूआरएल अवेलेबल है. क्रिएट ऐप पे क्लिक किया और अब उसके बाद आपको ये कमांड लाइन इंटरफेस डाउनलोड करना पड़ेगा हेरोकु का. 64-bit इंस्टॉलर अगर आपका विंडोज है मेरी तरीके से तो. और उसके बाद आपको क्या करना है, लाइन से ये सारे कमांड्स रन करने हैं. बट उसके पहले आपको कुछ फाइल्स क्रिएट करनी पड़ेंगी. सो आपको सबसे पहले एक फाइल बनानी पड़ती है जिसका नाम होता है setup.sh. ये एक बैच फाइल है जो हेरोकु के ऊपर रन करेगी. इसका नाम है setup.sh और यहाँ पे आप ये कोड डालते हो डायरेक्टरीज वगैरह क्रिएट करने का. दिस इज द कोड. इसके बाद आपको एक और फाइल बनानी है. इस फाइल का नाम होता है proc फाइल. नाम आपको एग्जैक्टली यही लिखना है. ठीक है, और
इसके अंदर ये कोड जाएगा, बेसिकली जो स्ट्रीमलेट को रन करने का कोड है आप वही कोड यहाँ पे डाल दोगे। थर्ड जो फाइल हमें चाहिए होती है वो होती है गिट इग्नोर फाइल, डॉट गिट इग्नोर, और यहाँ पे आपको बस लिखना है VENV, वर्चुअल एनवायरनमेंट वाली फाइल्स को इग्नोर मारना है हेरोकु पे डिप्लॉय करते टाइम। और जो लास्ट फाइल होगी उसका नाम होगा requirements.txt, और यहाँ पे आपको लिखना है स्ट्रीमलेट NLTK एंड SKLearn, बस ये तीन चीजें आपको लिखनी है, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, एक एक करके कमांड्स रन करने हैं, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको ये कमांड रन करना होता है हेरोकू लॉगिन, सो आप लिखोगे हेरोकू लॉगिन, ये हमें ऑथेंटिकेट करने को बोलेगा ब्राउजर के अंदर, हम जल्दी से ऑथेंटिकेट कर लेंगे। कर लिया ऑथेंटिकेट हमने, यहाँ पे हमारा ईमेल आईडी आ जाना चाहिए। स्टेप टू में हम वापस जाएंगे और गिट इनिशियलाइज करेंगे, सो वी वुड राइट गिट इनिट, एक गिट रेपो इनिशियलाइज हो जाएगा। उसके बाद आपको ये कोड को रन करना है लाइक दिस, उसके बाद आपको सारी फाइल्स को ऐड करना है यूजिंग दिस कमांड, उसके बाद आपको कमिट करना है दिस कमांड, और उसके बाद लास्ट में आपको गिट पुश हेरोकू मास्टर रन कर देना है, और उसके बाद आपको वेट करना है। सो यू कैन सी पाइथन ऐप डिटेक्टेड बता रहा है, और वहां पे 3.9 पाइथन इंस्टॉल हो रहा है, और अब धीरे धीरे बाकी की लाइब्रेरीज भी इंस्टॉल होने लग जाएंगे। मुझे बस एक डर है कि एनएलटी के बहुत बड़ी लाइब्रेरी है तो कितना स्पेस लेगा, बिकॉज हमारा अकाउंट जो है वो फ्री है, सो आई एम नॉट श्योर, लेट्स सी। सो या गाइस, इंस्टॉल तो हो गया है, बस एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, इट सेज nltk.txt नॉट फाउंड, नॉट डाउनलोडिंग एनी कॉर्पोरा। सो इसका मतलब है कि ये स्टॉपवर्ड्स वाली फंक्शनैलिटी काम नहीं करेगी, ये वाली फंक्शनैलिटी काम नहीं करेगी। एक बार चेक कर लेते हैं, ये URL है मैं ओपन कर रहा हूँ, ये हमारा वेबसाइट है, लेट्स गो फॉर अ मूवी, प्रेडिक्ट पे क्लिक किया, या इट्स द सेम एरर, NLTK डाउनलोडेड टू ऑब्टेन द रिसोर्स। सो या ये चीज काम नहीं कर रही है, मुझे वीडियो पॉज करके इसको एक बार फिगर आउट करना पड़ेगा, ठीक है। सो या गाइस, सॉल्यूशन मिल गया मुझे, ये ब्लॉग मिला हेरोकू के ऊपर, वहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपको NLTK यूज़ करना है हेरोकू के ऊपर तो आपको अपने प्रोजेक्ट में ये फाइल डालनी पड़ती है NLTK.txt फाइल, और वहाँ पे आपको जो भी कॉर्पस चाहिए है उनका नाम आप इस तरीके से लिख दो। सो मैंने क्या किया, मैं वापस गया अपने प्रोजेक्ट में और वहाँ पे मैंने एक नई फाइल बनाई NLTK.txt, और वहाँ पे मैंने ये दो कॉर्पस ऐड किए, स्टॉपवर्ड्स फॉर स्टॉपवर्ड्स एंड पंक्ट फॉर आई गेस स्टेमिंग, लेमेटाइजेशन के लिए मैंने ये ऐड किया, और फिर मैंने दोबारा से सारे कमांड्स को रन किया, हेरोकू लॉगिन, उसके बाद गेट इनिट, उसके बाद जितने भी कमांड्स थे मैंने उनको रीरन किया। रीरन करने के बाद थोड़ा सा बढ़ गया, जो मेरा पूरा पैकेज इंस्टॉलेशन था हेरोकू के ऊपर 215 MB का हो गया, बट अब ये काम कर रहा है। लेट मी शो यू, दिस इज द URL, और यहाँ पे अगर मैं कुछ ऐड करूं, लेट्स से ये वाला मैं ऐड करता हूं और प्रेडिक्ट पे क्लिक कर रहा हूं, देखो बोल रहा है स्पैम, और अगर मैं ये आई लव यू वाला ट्राई करूं, तो बोल रहा है नॉट स्पैम। सो या गाइस, काफी परेशानी हुई, बट हमने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, और आई होप यू लाइक द वीडियो, काफ़ी बड़ा हो गया होगा, आई हैव नो आइडिया, शायद 2 घंटे से ज़्यादा, बट आपका काम है इसको एक बार ट्राई करो अपने मशीन पे एंड टू एंड, और इसको डिप्लॉय करो और फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करके स्टाइल मारो। मतलब ऑनेस्टली नो जोक्स, ये प्रोजेक्ट करने के बाद आपको काफ़ी आइडिया लगेगा, बिकॉज इसमें हमने काफ़ी कुछ किया, हमने फीचर इंजीनियरिंग किया, हमने EDA परफॉर्म किया, हमने मॉडल सेलेक्शन किया, मॉडल इवेल्यूएशन किया, उसके बाद
वेबसाइट पे कन्वर्ट किया, उसके बाद हेरोकू पे डिप्लॉय किया, वहां पे परेशानी आई, तो मतलब काफी हेक्टिक सा प्रोजेक्ट था, बट हमने अच्छे से किया। आई होप यू लाइक दिस एफर्ट, इफ सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।